ओके मिस्टर सुब्बाराव, देखते हैं आपको कौन सी बातें याद है। या वेल ये क्या है, इसे जानते हैं आप? नहीं जानता मैं। नहीं जानते? अब बताओ। नहीं जानता। नहीं जानता। What is this, Mr. Subbaraw? कम से कम मुझे तो जानते हैं ना? मेरे काबिल दोस्त, ये सब क्या है? Your eye witness is a blind witness. Mr. Subbaraw, कम से कम एक चश्मा तो लगा लेते। सर, खरीदने के लिए पैसे नहीं है। Note this point, Your Honor. 100 रुपीस। सिर्फ 100 रुपए में एक चश्मा ना खरीद सकने वाला ये मिस्टर सुब्बाराव 16,000 रुपए का एक नया कलर टीवी ले सकता है। वो पैसे इनके पास कहां से आए? Your Honor. इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। नो। मेरे काबिल दोस्त, मैं किसी गलत दिशा में नहीं जा रहा हूँ। मैं इस केस के बारे में सही बात कर रहा हूँ। जस्ट लिसन, मिस्टर सुब्बाराव को मिस्टर देव को सजा दिलाने के लिए झूठे गवाह के तौर पर रिश्वत दी गई है 14,000 रुपीस और एक कलर टीवी। मुझे टीवी मिला, यह आपको कैसे पता चला? या वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। वी विल डू वन थिंग नाउ। अपनी बॉडी को इस तरह रखो कि फेस तुम्हारा सिर्फ 3/4 नजर आए, सिर्फ 3/4 नजर आए। ओके, गुड। या दैट्स द स्पिरिट, दैट्स गुड। प्रेम, जरा डिस्टेंस चेक करो। ओके सर। कैमरे के सामने बिंदास पोज दे रही है, आप इनकी क्या लगती है? बहुत बढ़िया, प्रियंका जैसी लग रही हो। हाँ, ठीक है। प्रियंका को तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। क्या मैडम, मैं पूछ कर रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रही है? ये आपकी लड़की है? अरे मेरा तो पति नहीं है, तो बच्चे कहाँ से होंगे? ये भी सही कहा, मुझे क्या मतलब है, खैर छोड़ो। तो फिर ये है कौन? जब इसे मैं लाई हूँ तो मेरी तो कोई होगी ना। सभी एक ही जगह की है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, कन्नड़ है, गुजराती है और भी कई राज्यों की लड़कियाँ हैं। ये बताओ, तुम किस मकसद से इसे फिल्म में उतार रही हो? हीरोइन बनाने का इरादा है क्या? मेरी कुछ लड़कियों को तमिल बोलना नहीं आता, इसीलिए मैं तमिल फिल्मों में काम नहीं दिला सकती। ओह। वैसे शेर जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आप रिकमेंड करेंगे तो काम बन जाएगा। कुछ हमारा साथ दीजिए। अच्छा, आपका जो भी डिमांड है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। सही कहा ना मैंने? क्या बात है, आप तो बड़े खुले विचारों की है। प्रेम सर, कम हेयर, इसका प्रिंट आज ही तैयार कर लेना, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। Okay, सर, क्या आप, क्या कहा, कॉम्प्रोमाइज करेंगे? कॉम्प्रोमाइज, मुझे माफ कर दो, निकलने में भलाई है। प्रेम, प्रेम। सर, कोट, रेन कोट। सर, पकड़िए सर। थैंक यू।
देखो मेरी बात सुनो, मुझे कुछ मत करना प्लीज। नहीं प्लीज, मुझे मत मारना। नो, बच गया। ये भी तोड़ दिया। मारा गया तो ये सच्चाई की गवाही देगा। यस, yeah।
नहीं, तू भी नहीं बच पाएगा। नहीं बचेगा। मेरी मौत से तू भी नहीं बच पाएगा। देखना, मैंने ये एक ऐसा सबूत रख दिया है कि मेरी मौत की किसी को किसी भी गवाह की जरूरत नहीं होगी। मैं खुद दूंगा, मैं खुद दूंगा। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी जान धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रही है। मैं वो तुम तक भी पहुंचेगा। हम लोग बेफिक्र थे, फिर भी वो मुझ तक पहुंच गया। भाई वो कोई और नहीं है, वो है रोज करेक्ट टाइम पर चर्च में आ जाते हो, तो फिर आज लेट क्यों? वो इसलिए फादर, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड गांव जा रहा था। छोड़ने के लिए गए थे क्या, इसलिए लेट हो गए? तुम सच कह रहे हो ना? जी हाँ फादर। गॉड ब्लेस माई चाइल्ड। थैंक यू फादर। श्रवण है? श्रवण कौन? याओ। तो आपने मुझे श्रवण कह के बुलाया? हाँ मैंने। वैसे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सिर्फ तेरा नाम ही नहीं, पैदाशी सितारा, वृश्चिक राशि, और तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। क्या? वैसे तुम ये सब कैसे कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अंदर की शक्ति कह रही है। तुम्हारे अंदर की शक्ति कह रही है? इसका मतलब तुम जिंदगी में कभी नहीं मरोगे क्या? सामने वाले का मुंह खोलने से पहले उसके अंदर क्या है ये सब मैं जानने की शक्ति रखता हूँ। और ये पिंजरे का तोता तेरी जिंदगी का एक एक चिट्ठा खोल के सामने रख देगा। अरे पापी ज्योतिषियों, 6 फुट के आदमियों का भविष्य ये 1 फुट का तोता लिखता है क्या? इससे अच्छा है कंप्यूटर सेंटर खोल लेते, 4 पैसे तो मिलते, मुझे इंटरव्यू में जाने। रुक, तेरी फाइल और इंटरव्यू। अरे वहाँ क्या कर रहा है? छोड़ उसे और इधर आ जा। क्या किया है? मेरी सारी जिंदगी यहाँ बैठ जा, बैठ जा। मैं फेंक दिया तूने। सारी जिंदगी नकल करके पढ़ाई की, इसकी वजह से मेरा बाप मुझे पीटता था। नकल करके पास हुए सर्टिफिकेट्स को लेकर के मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, लेकिन तूने उसे छीन कर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। आखिर तेरी मुझसे किस जन्म की दुश्मनी है बोल? अरे भगवान, बार बार तू मेरे सामने ये नौकरी की बात मत कर। अब कुछ ही दिनों के अंदर देख लेना, तुम्हारे हाथ के नीचे लाखों लोग काम करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? 1 महीना, सिर्फ 1 महीने के अंदर ये पूरी देश की जनता तेरे पीछे पीछे घूमेगी, तभी तुझे तेरा रेंज पता चलेगा, उसके बाद वो सब तेरे बहुत बड़े फैन भी बनेंगे। 1 महीने के अंदर पूरे देश की जनता मेरी फैन बन जाएगी? बेचारी जनता। लेकिन ऐसा कैसे होगा? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? टीवी के जरिए तुम मशहूर हो जाओगे। अच्छा, पहले जाके तुम टीवी चैनल ज्वाइन करो। कौन से टीवी चैनल में जाऊँ? आज धूप बहुत है, कल सुबह जाओ क्या? धूप से क्यों डर रहा है? टीवी चैनल में हर एक कमरा जो होता है ना, वो एसी होता है। कुर्सी पर पैर पे पैर डाल के बैठ जा और जो भी मुंह में आए बकते जा। जो मुंह में आए बकू, तो कोई मेरा मुंह टेढ़ा तो नहीं कर देगा ना? कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना तेरे साथ मेरी शक्ति है। अच्छा, कुछ गुरु दक्षिणा तो नहीं देनी पड़ेगी ना? मर्जी है तो दे दे भाई, फिलहाल तो ये रख लो, अब निकल लो यहां से। अरे ये तो मुझे ही टोपी पहना गया। क्यों भाई, अकेले हो क्या? उसको बिठा लो। सड़क में क्या बात है? हेलो। अरे चलिए चलिए ना। कौन है आप? मैं उमा हूँ।
कौन हो माँ? मैं तो नहीं जानता। तो मुझे देखे बिना कैसे पहचानोगे? देखोगे तो पहचानोगे ना। आप चाहे जो भी है गाड़ी से उतरिए। आप ये क्या कह रहे हैं? बगल में मेरी गाड़ी खड़ी है, उसे छोड़कर मैं आपके साथ बाइक में बैठी हूँ और आप उतरने को कह रहे हैं? मुझे किसी से कोई लेने देना नहीं है, आप गाड़ी से उतरिए। अरे वाह, वो देखो सिग्नल भी हो गया, अब कैसे उतरूं? चलो चलो जल्दी चलाओ। ए चलो ना, चलो ना जल्दी चलाओ। अरे लड़की कह रही है तो जाइए ना। थैंक यू भगवान के लिए, मुझे उतरने के लिए मत कहना। हो सकता है आपको कोई अर्जेंट काम भी हो, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए भी पहुँचना है। मुझे भले ही वहाँ मत छोड़ो, ऑफिस के आसपास भी कहीं छोड़ दोगे तो चल जाएगा। अरे बाप रे, आप तो बैलगाड़ी जैसे चला रहे हैं, हर कोई लड़की को बिठाने के बाद गाड़ी को तूफान की तरह उड़ा के ले जाते हैं। जरा देखिए तो साइकिल वाले भी आपको ओवरटेक करके जा रहे हैं। प्लीज जरा तेज चलाइए ना, नहीं तो पीछे वाला ठोक देगा। एक्सक्यूज मी सर, सर कम से कम हूँ हूँ हाँ हाँ या फिर सर तो मिलाइए, वरना मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हैं या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन मैं कानपुर में हड़ताल है क्या? हाँ? कुछ नहीं, सॉरी सॉरी, मैं सिर्फ बोले ही जा रही हूँ, मुझे उसका कुछ रिएक्शन ही नहीं मिल रहा है। बस 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 यहीं रोक दीजिए, यहीं पास में मेरा ऑफिस है। बस बस बस, थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत दिमाग खा गई। हेलो, एक खास बात बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी गाड़ी ही नहीं तुम भी एक बैल हो 100%। एक बार भी तुमने सर घुमा के नहीं देखा, लगता है ट्यूबलाइट हो। यहाँ से घूम के आएंगे तो यहीं पास में मेरा ऑफिस है, ठीक है ना? बाय। हाय बार्बी डॉल। ओह थैंक यू सर। शट अप, तुम दासों से खानदान की हो क्या? नो सर। तो पीछे के रास्ते से क्यों? आगे से घूम के आऊंगी तो इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी ना, इसलिए पीछे से आई। तुम जैसे लड़के पीछे के रास्ते से आने लगी तो हम जैसे मर्दों को आगे से आना भी मुश्किल हो जाएगा। सॉरी सर। इट्स ऑल राइट, इस दुनिया में कभी खुशी कभी गम, दिल जाता है, ये ऋतिक 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 रोशन है, ये शाहरुख 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 सलमान है। कितनी अच्छी शायरी कर लेते हैं आप सर, लगता है इस चैनल के हिंदी प्रोग्राम के आप ही एंकर हो। ऐसा क्या अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा। तो आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो मेरी भी कुछ? ये राशन कार्ड है? नहीं, मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। ओ, इसे देखने की जरूरत नहीं, अगर देखा तो भी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ कौवे की टांग की तरह है, इसे रख लो। सर इधर से। दिस वे। वैसे कहाँ तक पढ़ी हो तुम? मैं कैम्ब्रिज से। और आप? मैं बेसिंग्ब्रिज। यहाँ कहीं बदबू आ रही है। ओह शिट, यहाँ पर तो गार्ड है। तुम्हारे पास इंटरव्यू कार्ड है क्या? नहीं सर। कॉल लेटर है क्या? सर। तो फिर तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट लेकर जाता हूँ। यस सर, मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये फिल्म कौन से थिएटर में चल रही है? छोड़िए सर, यू जोकिंग। जोकिंग। एक लड़की ऐसी नहीं जिसका फिगर ठीक हो। कम इनसाइड, ये सभी लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। इतने लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं? ये है इंडिया। मुझे नौकरी मिलेगी क्या सर? ऑफिस जाओगी क्या? नहीं जाऊंगी। तो ये गैप फिल अप करो। बैठो। आप सभी लोग अपना सर्टिफिकेट लाए हैं ना? हाँ सर लाए हैं सर। इट्स ऑल राइट, यू गेट अप। सर तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? एमए एमबीए और एमसीए सर। ये कौन सा कलर है? ब्लैक है सर। ये हमारे मैनेजर को पसंद नहीं, बदल कर लाओ, जाओ अपनी पैंट भी बदल लेना। ये कौन है? बिना नौकरी के काम किया जा रहा है, मुझे पसंद आया। चेहरा नहीं दिख रहा है, जरा प्रोफाइल में आओ, जरा सा पीछे, थोड़ा सा आगे आओ। क्यों सर? ये एक्सरसाइज है, पीछे जा। अब तुम जरा आगे आओ, आगे आओ। अरे बीच में कौन आ गई यार? पीछे जाओ। तुम्हें नौकरी मिल गई है। इट्स ऑल राइट, मैं तुम्हें लेटर दिला देता हूँ। रुकिए सर, आप कौन है? वो लड़की कौन है जानते हो? नहीं जानता सर। एमडी की रिलेटिव है, अगर वो एमडी की रिलेटिव है तो मैं कौन? सॉरी सर, आप जाइए सर। बड़ी चालू चीज हो तुम। आपने कैसे पहचाना सर? अपने सिर्फ बंद करो मैन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर बैलगाड़ी, क्या भाई मीडिया में होते हुए भी इतना घूम के आने की क्या जरूरत थी? वहीं से कटमा किया जाते मेरी तरह। एक्सक्यूज मी, मुझे ना उनके ऊपर थोड़ा डाउट है, अगर आप मुझे रेकमेंड कर देते तो मुझे। मुझे रिकमेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं आपको जानता भी तो नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ ना, आप एलेक्स है ना? मैं एलेक्स नहीं हूँ, जैक हूँ। एक्सक्यूज मी। ओहो, क्या झांक रहे हो? उसे करीब से देखना है क्या? मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे टीवी चैनल में काम चाहिए ताकि लोग मुझे देख सकें। हा? और ये मौका सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो। क्या उस लड़की के लिए भी कुछ क्या इंतजाम कर दोगे क्या? तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर नोकिया। क्या मतलब? कनेक्टिंग पीपल। समझ गया समझ गया समझ गया, जाओ जल्दी लेके आओ। पिंकी कम ऑन। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो।
आइए आ गई है सर। हेलो सर, हम उमा। ये तुम्हारा नाम है? है? उमा ने तो बताया। इसे उमा मत बोलो, है? इसका नाम परी होना चाहिए। जवाब नहीं तुम्हारा। वाओ। सिर्फ तारीफ करेंगे या आगे बढ़ के मुबारकबाद भी देंगे? फॉर श्योर। कनेक्टिंग पीपल, इसका तो हो गया अब। हो जाएगा तो इसे भेज दो। इसे नहीं, तुम जा। थैंक यू ऑफिसर। नो मेंशन। वेरी फनी। तुम्हें इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। क्यों? डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। ओह माय गॉड। अब चलो स्टूडियो चलते हैं। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हे जय, व्हाट्स द टाइम नाउ? सर, वो रास्ते में आते हुए, फॉरगेट इट। कल रात को एक पर्सनालिटी का मर्डर हो गया है, तुम वहाँ जल्द से जल्द पहुँचो। ओके सर। पेपर में छपने से पहले वो न्यूज़ हमारी टीवी पर आना चाहिए। सर, मैं कैमरामैन को अपने साथ। उसकी जरूरत नहीं, सब लोग स्पॉट पे हैं। डेड बॉडी के हटने से पहले अपना काम कर लेना, समझे? बी केयरफुल, आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सीज। वेयर इज द आईडी कार्ड? वो सर अंदर है, मैं अभी ले लेता हूं। गो फास्ट। हेलो, जैक हियर। सर भानु। हाँ बोलो। कितनी देर में पहुंचेगी? तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। हाँ। सर, एसीपी मीटिंग में है। हाँ। उनके आते ही मुझे इन्फॉर्म करो, मैं अंदर हूँ। ओके सर। सर रुक जाइए सर। सर शगुन ठीक नहीं है सर, मुसीबत आने वाली है, मुझे पता चल गया है सर। कैसी मुसीबत? कहीं इस मर्डर केस का इल्जाम हम पर ही न लग जाए सर। ये क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा सर, काली बिल्ली रास्ता काट के गई है, आपने देखा ना? वो कोई साधारण बिल्ली नहीं है, काली वाला है सर। सर यहाँ से निकल ले। जिस बिल्ली ने रास्ता काटा वो बिल्ली काली है, म्याऊं म्याऊं करती है, इसलिए तो बोल रहा है। आपके लिए वो म्याऊं म्याऊं करती होगी, लेकिन मेरा तो दिल धड़क रहा है सर। बकवास बंद। I like animals. Follow me. सर। नमस्ते सर। ये यहाँ का वॉचमैन है सुब्बारा। यहाँ क्या हुआ था? चट्टान जैसे मजबूत थे वो, कुछ देर पहले मुझसे बात भी किए थे, फिर अचानक किसी ने मेरे सर पर मारा, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मर गए। जहाँ वार हुआ है वहाँ क्लोज मिलो। ओह, तो ये बला यहाँ भी पहुँच गई है। ओए, उधर क्या कर रहा है? आई लाइक यू एनिमल सर। तू पहले अपना काम देख, चल इधर। सर, सर। अरे भानु, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहा था सर, ऊपर चले। चलो चलो, मेरे साथ चलो। हाँ। यहाँ कवर करो। आखिर सबूत मिल ही गया। हाँ सर, एक्सक्यूज मी, कार्ड इज माइन, अभी मुझसे गिर गया। मैं सन टीवी से आया हूँ, वुड यू प्लीज गिव मी? तुमने जो कहा वो मैं समझ गया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था। तू इंग्लिश का प्रोफेसर है क्या? ये कार्ड उनका है, उनको दे। ठीक है सर। खून हुई जगह पर कार्ड ऐसे नहीं भूलना चाहिए, वरना इल्जाम तुम पर आ सकता है। देखने में तो शरीफ लगते हो, ये लो जाओ। सॉरी सर। रवि कुमार, यहाँ पर कोई शादी हो रही है क्या? सर, ये लोग प्रेस वाले हैं। मैं जानता हूँ इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया, इनके रहते इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? प्लीज आप लोग जाइए। चलो चलो चलो, जाओ जाओ यहाँ से। चलो खाली फोटो बाद में खींचिए। चलिए यहाँ से, चलिए निकलो। चलो, प्रेस वालों को अंदर किसने आने दिया? सॉरी सर,
पोस्टमार्टम का क्या हुआ? सारा इंतजाम कर दिया सर, उन्हें स्ट्रेचर लाने के लिए। ठीक है सर, ओके सर, अभी बुला के लाता हूं सर। कोई सबूत मिला? कुछ नहीं मिला सर। आसानी से कुछ नहीं मिलता, दिमाग पर जोर डालना ही पड़ता है। ओके सर। उठाओ, चलो आराम से रखो, ले चलो, 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 आराम से। बहुत प्यास लगी है माँ, पानी दो ना। चुप कर। अरे बच्चे को क्यों मार रही हो? इसकी जिद तो देखो, पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है, इसे कहाँ से दूँ? जिद करके बैठी है। सुबह 4 बजे से उठकर यहाँ पानी के लिए लाइन लगाकर खड़ी हूँ, ऐसे पानी चाहिए। तुम लोगों को पानी ऐसे कैसे मिलेगा? तुम लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, क्या ये तरीका ठीक है तुम्हारा? भाई साहब, हम लोग पानी मांग रहे हैं ना, दे देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तुम लोगों के लिए पानी मैं खरीद के लाता हूँ। हम लोगों ने पानी बेचने वाले मुंबई में भी देखे और जलगांव में भी देखे, लेकिन तेरे जैसे कमीने नहीं देखे। ओ माँ जी, क्या है इसमें से तुम लोग को पानी नहीं मिलेगा? माँ जरा उधर देखो ना माँ, उसमें पानी है तो दो ना माँ। कावेरी बहन देखो, पानी की दूसरी गाड़ी आ गई। क्या बात है बहन जी, ये पानी की गाड़ी नहीं है, फायर ब्रिगेड है। अरे वो तो हम भी जानते हैं, अगर है पानी तो दे देना, तेरा क्या जाएगा? ये हमारे हाथ में नहीं है बहन जी, पीछे एसीपी साहब आ रहे हैं, उनसे बात कर लो। ये सब क्या लफड़ा चल रहा है सर? इन लोगों ने पानी के लिए रास्ता जाम कर रखा है। बहनों, आप सब समझदार होते हुए भी ये रास्ता क्यों रोक रही हैं? ये कानून के खिलाफ है। चूल्हा जले हुए 4 दिन हो गए हैं साहब, पानी ही मिल जाता तो वो ही पीकर जी लेते, आपके जैसे हमें भी तो भूख प्यास लगती है। ये क्या कह रही हैं आप, हम लोग दुख तकलीफ नहीं उठाते? साहब इन्हें माफ कर दो, आप लोग जरा चुप रहिए, बड़े लोगों से कोई ऐसी बात करता है क्या? हमारे घरों में जब आग लगती है तो उसे बुझाने वाली गाड़ी को हम रोकेंगे तो क्या होगा? उसी तरह ये भी हमारे रक्षक है। सब लोग रास्ते से हट जाओ। साहब आप जाइए। ठीक है, चलो गाड़ी आगे लो। जी सर। क्या है ये सब? क्या नेताजी, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, यही सोच रहे हो ना आप? यहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता, ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे सेठ की तमन्ना है, छोटी छोटी तमन्ना। जब मेरे सेठ यहाँ नहीं थे तब मैंने उन्हें फोन पर कहा था कि यहाँ बहुत बारिश हुई है, इतनी बारिश गिरी है कि पेड़ पौधे गीले हैं, वो देखना चाहते हैं, इसीलिए ये सब मैंने प्रोड्यूस किया है। इस नाचीज को आर मल्होत्रा कहते हैं एंड स्पॉन्सर्ड बाय हीरामणि ओसी, मेरा मतलब एसी। ओ, मिल गया। ये देखा, मिल गया मेरी बारिश का इनाम। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, आप बस कॉलर हिलाते रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे भगवान, थोड़ा शांत रहो। सियासत करना छोड़कर मंत्री जी सीधा यहाँ तशरीफ लाए? सियासत क्या चीज है, सिर्फ मुंह दिखाना है, हमें तो भगवान के दर्शन करने हैं। किस गांव के हैं आप? राघा पर। ओ, शारदा नहर के पास। वैसे नहर का पानी कुछ कम हो गया होगा? और डिपार्टमेंट से, हमारे डिपार्टमेंट का रिस्क कुछ अलग है। किसी भी सूरत में बांध का पानी नहीं खुलना चाहिए। अरे आपके कहने से पहले ही बांध का पानी बंद कर दिया है, इस टकले की खोपड़ी में शैतानी दिमाग है भगवान। ये कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मैंने सही कहा, आज भी 40 ट्रक अनाज गोडाउन में भेज दिया, पब्लिक हाहाकार कर रही है, गरीबों के मुँह से निवाला हम लोग रोज छीन रहे हैं। बिना झिझक के आपने कह दिया, 40 ट्रक माल मेरी मर्जी के बगैर आपने एक ही जगह भिजवा दिए। यस, 40 गाड़ी आपने सिर्फ एक ही जगह पर भेजा है, बॉर्डर तक पहुंच भी गया। चोर हो के चोरों की तरह सफाई देने की कोशिश मत करो, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलते। लेकिन मुझे भी तो जवाब देना है। सुनो, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, इज्जत से समझा रहा हूँ, आरसी बुक में सोच लो तुम्हारा इनाम है। अगर तुमने ना किया तो चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करके पासा ही पलट दूंगा।
हाँ करोगे तो सबके सामने आकर बचा लूंगा। तुम्हारा नाम सामने आकर तुम्हें बदनाम होना है या भगवान का नाम लेकर इज्जत बचानी है? बोलो क्या करना है? क्या है ये सर? रंगा टाइम क्या हुआ है? 4:05 बाकी है सर। अरे रे, अरे भगवान ने टाइम पूछा तो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। सोचो मत यार, तुरंत साइन करो यहाँ पर, अपने आप को बचा लो तुम। क्या हो रहा है सर? अभी हम लोग निकलते हैं, मेरा काम हो गया, फिर मिलते हैं। भाई जीवा, जीवा भाई। आया क्या? नहीं भाई, उसका खून हो गया। कब हुआ? भाई तब अब यहाँ नहीं थे। सोचा नहीं था ऐसा होगा। वो सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं, मेरी आत्मा में रहता था। इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा, उसकी अर्थी मैं ऐसे विसर्जित करूंगा, ये सपने में भी नहीं सोचा था। वो ऐसे नहीं मरा है, जरूर उसका मर्डर किया गया है। इसकी अर्थियां पानी में घुलने से पहले मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ, खत्म करके ही रहूंगा। ठीक है, इस केस को देखने वाला इंस्पेक्टर रवि कुमार अपना ही आदमी है, मैं संभालूंगा। बोलो मत, करके दिखाओ। भाई ने बताई हुई सारी जगह चेक कर ली, कहीं नहीं मिले। जिस काम से गए थे उसका क्या हुआ? भाई आपने बताई हुई सारी जगह देख ली लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। क्या सर, जिस लड़की को मैं लाया था आपने उसे नौकरी दे दी, लेकिन मुझे अभी तक एक भी प्रोग्राम नहीं दिया। सारे के सारे प्रोग्राम फिक्स है यार। सफेद झूठ मत बोलिए सर, सुबह 10 के प्रोग्राम में एक जगह खाली है, मैंने लिस्ट देखी है सर, वो मैं कर सकता हूँ सर। उसके लिए 5 का कुक आ रहा है, तो उसे मना कर दीजिए कि वो नहीं आए। क्या? उस लड़की के मैटर में मैंने हेल्प की थी इस वादे पर ताकि सारी दुनिया मेरा चेहरा देखे, नहीं तो उस लड़की को मैं अभी लेकर जा रहा हूँ। एक लाइव टेलीकास्ट, एक चांस मिलेगा, कोई गलती मत करना होगा। बिल्कुल सर। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे इस प्रोग्राम में मशहूर कुक श्रवण जी आए हुए हैं, तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। श्रवण जी आपका स्वागत है। आप ऊपर हैं, मैं नीचे हूं। नमस्ते श्रवण जी, आप हमारे दर्शकों को कौन सी नई डिश के बारे में बताने वाले हैं? ये क्या चाकू ले रहे हैं? ओह कैरेट है, तो कैरेट को चाकू से काटेंगे। कैरेट सेहत के लिए अच्छा रहता है। आपकी स्पीड को देखकर ताज्जुब हो रहा है। कैरेट डाल दिए, अब इसके बाद क्या डालेंगे? ओह कड़ी पत्ता डालेंगे, लगता है इस डिश का कॉम्बिनेशन बहुत अलग है और अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद आप क्या डालेंगे? इमली। इमली तो सालन में डाली जाती है, अब इसमें क्या डालेंगे? ये क्या बना रहे हैं? अभी तक आपने कुछ नहीं बताया क्या क्या डालेंगे, क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। मुझे लगता है अच्छा ही बनेगा। जरा संभल कर, रवा कढ़ाई से बाहर गिर रहा है। अब इसके बाद इसमें आप क्या डालेंगे? कांदा ले लीजिए। अरे वाह, इनका काटने का तजुर्बा कितना अजीब है। देखिए तो, देखा आपने, टेबल पे कील निकली हुई है, इससे इन्होंने कांदा काटा है। अब नेक्स्ट आगे क्या डालने वाले हैं? आपकी डिश बहुत डेलिकेट लग रही है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट ही होगा ऐसा मुझे लगता है। ये क्या आप हाथ से मैश कर रहे हैं? कपड़ा नहीं है इसीलिए सब्जी से ही अपना हाथ साफ कर रहे हैं, अब देख रहे हैं ना। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? क्या बात है, आप बिना माप तौल के ही तेल डाल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अब आप क्या करेंगे? अरे वाह, पकड़ लिया, ये नींबू अपने हाथ से ही तोड़ रहे हैं। सुनिए मैं आपकी हेल्प करूं। काट लिया, अब आप क्या करेंगे? ओह ये तो नजर उतार रहे हैं। ओ अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्या सोच रहे हैं, कुछ भूल गए क्या? गौर से सोच के देखिए। ओ धनिया भूल गया, अब क्या रह गया? ओ अच्छा, अच्छा ही बना होगा, अपने तरीके से बनाया है, आपको भी समझ में आया होगा। क्यों, क्या हुआ, चम्मच ही टेढ़ा हो गया? ओ अब क्या करेंगे? अरे वाह, इसे सीधा भी कर दिया। खुशबू से पेट भर गया, जरा दो तो मैं चख लूं। ये चखने के लिए नहीं है। ये चखने के लिए नहीं बनाया, तो ये आइटम किसके लिए बनाया? मैंने कब कहा ये आइटम है, ये नहीं देखा क्या? इस कढ़ाई में मैं कैसे बनाता और क्या बनाता है, इसमें इतना बड़ा छेद है, देखो
इसलिए इसको बंद करने के लिए गोंद बनाया है। इसके बाद इस कढ़ाई में आप क्या क्या बना सकते हैं बताने वाला हूँ, तैयार रहिएगा। ओके मैनेजर, आवाज चला रहा है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कौन है भाई, कौन है? इंस्पेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, इट्स अर्जेंट मीटिंग हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय द कमिश्नर। शहर में कोई भी वारदात होती है तो उसे तुरंत खत्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब जो मुसीबत हमारे सामने है वो है रिसेंटली किया गया कैमरामैन जीवा का मर्डर। खून ऐसा हुआ वैसा हुआ ये सब बातें हैं, बिना कोई शक के बगैर ये कंफर्म करने के लिए एक नया एविडेंस हमारे हाथ लगा है। इट इज वेरी पेक्यूलियर, प्लीज देखिए, गो अहेड। लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑफ। सर, साउंड का वॉल्यूम लेवल सर थोड़ा बढ़वाएंगे प्लीज सर। सर हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यस, दैट इज आवर प्रॉब्लम। इसके बाद उसने क्या कहा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस केस की शुरुआत यहीं से हुई है और खत्म भी यहीं हो रही है। लाइट्स ऑन। होनी ने खून करने के बाद बचने का हर तरीका अख्तियार किया। वो कौन है ये बताने के लिए जीवा ने अपने इस कमरे में सफाई से ये वीडियो कैमरा लगाया था ताकि वो उसका वीडियो बना सके। अगर इस कैमरे के बारे में खूनी को पता चल जाता तो खूनी इस कैमरे को वहां छोड़कर बिल्कुल नहीं जाता। इनफैक्ट उसका चेहरा नहीं दिख रहा और उसने खून किया है। शायद ये उसी की साजिश हो। खूनी की चालाकी का ये बड़ा सबूत है। जीवा अपनी जान बचाते बचाते जख्मी हो गया। कैमरे के सामने गिरने के बाद ऑडियो फेल हो गया, इसलिए उसका खून किसने किया ये बताने के बावजूद हम सुन नहीं पा रहे। आखिर उसने क्या कहा होगा? सर वो भाई भाई करके कुछ कह रहा था, उसकी इंक्वायरी करें। भाई एक बहुत बड़ी हस्ती है सर, छोटे से छोटा नेता से लेकर बड़े से बड़े नेताओं तक उनकी अच्छी तरह से पकड़ है। वो अच्छे इंसान है, बिना सोचे समझे इस केस में उन्हें घसीटना अच्छा नहीं होगा। इंक्वायरी में वो हमारा पूरा साथ देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इंक्वायरी हमारा सेकंड स्टेप है, प्लीज सिट डाउन। 6 फुट जमीन में जाने से पहले उसकी आवाज कट गई। ये हमारी बदकिस्मती है, जहां आवाज कटी वहां उसने उसका नाम लिया। आखिर वो कौन है ये पता लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है एक ऑडियो डबिंग के जरिए। अब हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर डबिंग करने की। लिप मोमेंट से उसने क्या कहा होगा ये पहचानने वाले हमारे यहाँ बहुत से कलाकार हैं जो ये काम बखूबी कर सकते हैं। उनसे ये काम करा के हम उस खूनी का पता लगा सकते हैं। सुनो मिस्टर रवि कुमार। यस सर। इस काम की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। थैंक यू ऑफिसर्स, यू कैन गो। मिस्टर रवि कुमार। यस सर। इस केस में कोई भी सबूत हाथ लगे तो सबसे पहले कमिश्नर को सौंप दूंगा। मुझे ला कर देना, हम दोनों का इसमें बहुत फायदा हो सकता है। ओके सर। हाँ भाई। हाँ अभी आता हूँ भाई। हाँ बस निकल ही रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ पता चला खून किसने किया है? वो बैठ जा। इंक्वायरी चल रही है भाई, मिले हुए सबूत में ऐसा कुछ। नो, मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त का खून किसने किया ये पता चलना चाहिए। वो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी चुरा के लेके गया है। वैसे खून के बाद चाकू या कोई और चीज सबूत के तौर पर मिल जाती है, लेकिन इस केस में हमारे हाथ एक भी सबूत नहीं आया है। नए पुराने से कोई मतलब नहीं मुझे। वो कौन है? वो मेरे डॉक्यूमेंट्स उसके यहाँ से चुरा कर क्यों लेकर गया है? अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे बताओ। आपके पुराने दोस्तों में से किसी पर आपको शक है तो बताइए ना, उसका फोटो मिल जाए तो उसे इजीली पकड़ सकते हैं। बकरा जंगल में घुसने के बाद उसे कोई पकड़ सकता है क्या? मरने वाला मेरा दोस्त था, उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। चोरी गए हुए डॉक्यूमेंट्स कितने करोड़ के हैं तुम्हें पता है?
इस वक्त मेरा एक खास आदमी आया है, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से लेके जाओ। जाओ जाओ जाओ। थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैं सब देख के बताता हूँ। ओह वेलकम सर। सिट डाउन सिट डाउन। नो गुड राइस। सिट डाउन। वो अभी मैं इस वक्त चंडीगढ़ जाने के लिए निकला हूँ राइस खरीदने के लिए। सॉरी आई एम लिविंग फॉर चंडीगढ़ एंड यू सी पंजाब इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सेंटर इन इंडिया एंड आई परचेज एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस फ्रॉम देयर। ओके ओके एज यू विश। ओके वी विल सी यू नेक्स्ट मंथ। ओके थैंक यू। टेक केयर। लेट्स गो। थैंक यू। सारे स्टेट के गोडाउन मेरे खुद के होने चाहिए। इस सेंटर में रखे क्लिक करने से इंफॉर्मेशन का सारा डाटा ओपन हो जाएगा। और इस फाइल में क्या है ये सब ओके हो जाएगा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज आइए। उमा प्लीज। अगला चक्कर कैसे चलाऊं? नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। काली भैया ने बताया। तुम्हें को बताया? उसने तुम्हें भी बता दिया। मैं किसके बारे में बताया? मेरी नौकरी के बारे में। तुम्हें प्रमोशन चाहिए क्या? अच्छा ये सेल फोन तुम्हारा ही है? हाँ। मैं रख लूँ क्या? रख लीजिए। बिल भी भरना होगा। वो मिलेंगे तो मैं बात कर लूंगा। ठीक है आप आज ही उनसे मिलेंगे। तुम कैसे करते हो? बस आने ही वाले हैं। ऐसा क्या? वो देखिए आ गए। मेरी गाड़ी। अरे मेरी सिफारिश करके जाओ। अरे नमस्ते साहब। ये सब क्या चल रहा है? आपके बारे में बात कर रहा था सर। क्या बात कर रहे सर? उसे ज्वाइन हुए अभी कुछ ही दिन हुए। किधर गए वो? वो उस तरफ गया है सर। तो माँ मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। यहाँ से बच के निकलने का रास्ता भी नहीं है। हर जगह केबिन बना रखा है। यही ठीक है। कोई इधर ही आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वो एसी स्विच ऑफ कर दो, ठीक है? अरे मेरे केबिन में जाओ। क्या कर रहे हो? एसी ठीक करवाना है। ए सो रहा है क्या? इसे डिस्पैच करो। गुड मॉर्निंग सर। हाय हाय। वन सेकंड। ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके हाय। गुड मॉर्निंग। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ क्यों क्यों तुम मुझसे अनजानों की तरह नजर चुरा कर भाग रहे हो? जानबूझकर नहीं, मैं सच में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं शिवा की बहन हूँ। हम लोग कितनी बार मिल चुके हैं, तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो? तुम्हें सब कुछ याद होगा। मुझे सिर्फ एक चीज याद है और जब तक मैं उसका। अरे मर गए। ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, वो बाथरूम ढूंढ रहा था। बाथरूम? नहीं, बाथरूम का हर फ्लोर ठीक है ये चेक करने के लिए एमडी ने मुझे कहा है। हाँ ये ठीक है, मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। जिस चीज को कोई काम देता हूँ कोई ढंग से काम नहीं करता। कितनी बार एक काम को दोहराना पड़ेगा? सब के सब बेवकूफ है। ए, रुक श्रवण, मैंने तुझे कहाँ कहा लिया? पूरा ऑफिस छान मारा। वो किस लिए? एमडी तुमसे फॉर्म मिलना चाहते हैं। ऐसा क्या? तो आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ओके ओके। मैं आगे आगे चलूँ और ये मेरे पीछे पीछे आएगा? एमडी इससे मिलना चाहते हैं, मुझसे थोड़ी। तो फिर मैं आगे क्यों जा रहा हूँ? ये कहाँ चला गया? ए तुम ये क्या कर रहे हो? अरे 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 हेलमेट पहन रखा और प्यार भी करना चाहता हूँ, ये कैसा प्यार है? दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं और ये कैसे कैसे प्यार करते हैं ये मैं आज देख रहा हूँ। लेकिन वो कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया श्रवण? मेरा हाथ थाम कर जिंदगी भर कोई नहीं चल सकता। तुम्हारा हाथ थाम कर नहीं चल सकते, लेकिन मैं तो जिंदगी की साथी बनना चाहती हूँ। नो, मेरे रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं और उनका दर्द से मुझे ही सहना है। हेलमेट सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट यूं ही नहीं कहती है, अब मैं कहाँ से निकलूं? हाँ ये सही है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए है। आहा, बच गया। जहाँ भी जाता हूँ आप दोनों मुझे मिल जाते हैं, चक्कर क्या है? मिस्टर श्रवण हम लोग कहीं नहीं गए, आप खुद इसी कमरे में बार बार आ रहे हैं। वाइसी सॉरी फॉर द ब्रेक। ये क्या कर रहे हैं आप? एमडी ने कहा कि हर कमरे का दरवाजा मजबूत है कि नहीं चेक करो, वही चेक कर रहा हूँ। डबल चेक। यू कैरी ऑन। कितनी गर्मी है। अरे देवी जरा एक गिलास पानी ला। सर आप? अरे मैं ही हूँ, पानी लेके आना। एमडी सर, श्रवण सर यहाँ पर है। सर आइए जल्दी आइए सर। आइए सर, देखिए वो देखिए सर। किधर गया? मैंने भी बहुत कुछ खोया है, 3 साल लग गए तुम्हारा पता लगाते लगाते। मुझे जो बन पड़ा मैंने किया, तुम्हारी वजह से यहाँ काम कर रही हूँ। देखो मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर काम करती हो, लेकिन मिस्टर क्या चाहिए आपको? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इडियट। हेलो मिस्टर, सुनिए सर। नमस्ते सर। ये रहा आपका रिलेटिव। तुम मेरे कौन लगते हो? वो आपके चाचा सीएम के यहाँ काम करते थे ना, वो
सीएम के यहाँ, वो तो तुलसीपुर में रहते थे। तुलसीपुर में रहते थे लेकिन बीच बीच में सीएम के यहाँ आते जाते रहते थे। वो मेरी बुआ कावेरी के साथ उनका कनेक्शन जुड़ गया था, फिर आंखों से आंखें लड़ गईं और दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ गया था। उनकी तीन बहनें थी गंगा यमुना सरस्वती, वो सभी मिलकर एक परिवार बन गए थे। ये सुनकर आपके पिताजी, ऐसा भाई मेरे घर में पैदा नहीं हो सकता ऐसा बोला, और ऐसी बहू नहीं चाहिए, दोनों को घर से निकाल दिया। उसके बाद मेरे चाचा ने एक अलग संसार बसा लिया, एक छोटा सा संसार जिसमें सभी लोग सुखी रहते हैं। उनकी कहानी सुनाता रहूंगा लेकिन खत्म नहीं होगी, उनकी कहानी नदी की तरह है, इसलिए मैं क्लाइमेक्स की तरफ आता हूँ। एक दिन बुआ भगवान को प्यारी हो गई, फिर मेरे चाचा ने अपने दोनों बेटों को अपने हाथों से पाला। मेरी बुआ आपके चाचा की पत्नी थी, आपके चाचा मेरे बुआ के पति थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारे और आपके बीच रिश्ता तो है ही ना। ये कुछ कहानी सुनी हुई लग रही है। आखिर हम दोनों का खून एक जो है सर। मैं अपने काम पे जा रहा हूँ सर। ये क्या है सर, आप तो उसे रिश्तेदार ही नहीं मानते थे और आपके मुंह पे वो सारी कहानी सुनाकर चला गया। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज ही मेडिकल लीव लेकर जा रहा हूँ। कार्तिक, कार्तिक सर, उस फोटोग्राफर के मर्डर के बारे में कोई क्लू मिला क्या? एविडेंस मिला है सर, किसी ऊंचे खिलाड़ी का खेल है ये, पुलिस उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है। पड़ी है तो पड़ी रहने दो, हमारे लोगों को कौन फॉलो करेगा। मैं कुछ कहूँ क्या? जो खबर मुझे मिली है, हो सकता है उसके बारे में आपको पता हो, मैं तुम्हें बता दूँ। कौन फॉलो कर रहा है ये पता चल जाता तो हमारी न्यूज की हेडलाइन मिल जाती। चलता हूँ मैं। भाई के घर जाओ तुम लोग। हाँ। एक मक्खी भी अंदर नहीं घुसने पाए, ठीक है जी। चलो गो 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 गो। मॉर्निंग सर, सॉरी मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। नो नो नो, आई एम उमा फ्रॉम सेन टीवी। तुम्हारा चांद सा चेहरा देखकर मन में उजाला फैल गया और ऊपर से गुड मॉर्निंग भी कहे। आप जैसी ऊंची हस्ती को हेलो कहना ठीक नहीं रहेगा। हेलो तो छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है, आप जैसे लोगों को नहीं। आपको हेलो कहने के लिए कोई आपके ही टक्कर का होना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं? हमारे चैनल ने पुलिस स्टोरी के नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है। उस प्रोग्राम में हर एक मर्डर केस का, हर एक काला चिट्ठा और आई मीन सॉरी, आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पब्लिक हर वक्त आपको गलत ठहराने की कोशिश करती रहती है। अभी हाल में बशीरनगर में जो कैमरामैन का मर्डर हुआ था, वो फाइल बंद हो गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कौन कह रहा है हम लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं? हाँ। जो शख्स मर गया उसका स्टेटमेंट के वीडियो कवरेज फुटेज की हम डबिंग करवाने वाले हैं, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। डबिंग वॉइस, क्या कहा? मुझे लगा था कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज का काम हम कल पे क्यों छोड़े, आप आज ही इंटरव्यू दे देते तो अच्छा रहेगा प्लीज। आज मैं नहीं आ सकता, कल जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। ये शेर नहीं, गीदड़ है। क्या हो गया? हाथ में माला लेकर सभी लोग साइलेंट खड़े हैं। हमारे असिस्टेंट मैनेजर कालीचरण जी चले गए क्या? बुरे कामों का यही फल होता है, मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। अभी तो 7 बजे की न्यूज़ बाकी है, उसके लिए सारा इंतजाम कर देता हूँ। ओके सर, कालीचरण मरे नहीं है, वो जीएम बन गए। वो झूलता टिप्पा जीएम बन गया। जीएम कालीचरण को, कालीचरण को, कालीचरण को। सुबह 7:30 बजे से ये सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे क्या? आज इवनिंग में सबको मेरी तरफ से एक पार्टी है। हाँ? तुम भी जरूर आना। मेरे बगैर नहीं चलेगा। हाँ? लेकिन मुझे चीफ गेस्ट मत बनाना। नो नो नो, तुम अपना काम करो। मेरा पोस्ट? कोई पोस्ट नहीं है। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती, हे भगवान कहाँ है तू? मुंह खोलो। टीवी सर। ए, ए, क्या बेशर्मी है? मुझे नहीं कह रही है। क्यों बे? तेरे बाप ने तुझे मिस इंडिया चुनने के लिए कहा है क्या बे? तेरे दादा की क्या औकात थी? कितनी लंबी नाक थी उनकी? अबे उनकी इज्जत को तू बगल में लपेट के चलता है। इस देश की हर लड़कियां चुप कर गधे। क्या बोला? किसे कदा बोला? तुझे? नहीं। तो फिर ये ले गधे। ये ले। मुझसे लेगा पंगा तो हो जाएगा नंगा। क्यों है? पब्लिक के सामने क्या बकवास की तूने? मेरी पार्टी का केक तूने मेरे ही मुंह पे मल दिया। वो सर मैंने नहीं किया सर। तो फिर किसने किया हो साहब? मेरे अंदर जो क्वार्टर किया उसने किया सर। ओ, क्वार्टर पी लेगा तो तू कुछ भी करेगा है? अब सुन, आज के बाद इस कंपाउंड में अगर तू नजर आया तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। बी केयरफुल कालीचरण जी। हाँ। एक बात कहूं क्या मैं? क्या बात है? फायदे और नुकसान का। उमा के बैटर में मैंने, उमा की बात मत कर, उसकी माँ भी आके बोलेगी तो भी नहीं निकालूंगा। उसकी माँ आजकल बहुत बीमार चल रही है। तू जा, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। तू अपनी हथ पार मत कर, चल। हाँ, और नहीं तो क्या? अब तो वादा भूल गए? तुमने मुझे लॉलीपॉप देने का वादा किया था। लॉलीपॉप तो छोड़िए, चॉकलेट तक नहीं दिलाया मुझे। अब आप मुझसे बोल रहे हैं कि लॉलीपॉप की लकड़ी पकड़ लो। अब वो भी नहीं मिलेगा। चलता हूँ। हाँ, थैंक यू। हाँ? ये क्या क्या चला गया?
कम ऑन हरी अप। खून की होली खेलने वाले खुदगर्ज नेताओं ने हमारे खानदान को पूरी तरह तबाह कर दिया है बेटा। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी लाडली बहन की मौत के जिम्मेदार भी वही लालची नेता हैं बेटा। तुम्हें अब मेरे आंचल का टुकड़ा सर पे कफन के तौर पर बांधना होगा और तुम्हें उनके खून का हिसाब उस जालिम से लेना होगा। तुम्हें अपने माँ के दूध की सौगंध है बेटा, वचन दो मुझे। इस धरती की कोख से हमेशा के लिए उन जालिमों को मिटाना होगा। यही तुम्हारा धर्म है, कर्म है और सौगंध है बेटा। कमाल है सर, कमाल है। अच्छा था ना? बहुत बढ़िया सर। एक और टेक कर लें? नहीं सर, जरूरत नहीं है, हो गया सर। शर्मा सर, हाँ इंस्पेक्टर आपसे मिलने हैं। उन्हें यहाँ भेज दो। मैंने कहा था ना, लिप मूवमेंट के हिसाब से एक वीडियो की बात पकड़नी है। हाँ। इसलिए कमिश्नर ऑफिस से इंस्पेक्टर आए हैं। अच्छा, लाइट ऑन करो। आइए सर। नमस्कार सर, ये हमारे डायरेक्टर राइटर हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। हेलो, आप एक बार उस सीन को देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, दिखाइए। दिनेश पवार, आप सारा इंतजाम कीजिए। ओके सर। बाहर से कोई भी अंदर ना आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है, आइए मेरे साथ। मणि, मरने वाला कुछ लिखकर गया हो तो उसे पढ़कर हम सुना सकते हैं, लेकिन मरने के बाद उसके लिप पकड़कर उसकी आवाज डब करना, ये करते हुए बहुत दुख हो रहा है। लाइट ऑफ करो, पिक्चर स्टार्ट कीजिए। इसी पर मुझे डायलॉग फिट करने है ना? हाँ वो आ गया। हाँ वो कोई है, कह रहा है भाई ने मारा है। मैं पकड़ रहा हूँ, जरा रुको। ओ आ, ओ आ, 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 ये पकड़ लिया। ये वही कह रहा है। रुकिए, ये कुछ और भी कह रहा है। कुछ और भी कह रहा है सर। हाँ, आप जरा शांत रहिए, मैं अपने माइंड में सेट कर रहा हूँ। लास्ट पोर्शन जरा फिर से दिखाना, फिर से शुरू करना सर। वो बीच में कोई मत बोलो। जब वो मुझे मारने के लिए आया तो मैं पुलिस के पास या कोर्ट में नहीं पहुंच सकता था, इसलिए कैमरे में मैं सच बता रहा हूं। मेरा खून करने वाला वो एलेक्स देवा। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा। क्यों सर, एलेक्स देवा नाम का कोई है क्या? पता नहीं सर, उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना मैं अच्छा कर सकता था मैंने उतना कर दिया। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। आओ सब कुछ जल्दी से पैक करो। यस सर। हेलो, एसीपी है क्या? मैं इंस्पेक्टर रवि कुमार बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं वहीं मिल लूंगा। रेडी रेडी सर। कैमरा ऑन, रोलिंग। नमस्ते दर्शकों, आप सबका पुलिस स्टोरी नाम के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। रंगा, गाड़ी जेन टीवी ले चलो, एसीपी इस वक्त वहीं है। एक खास बात, हम इसके जरिए ही खूनी तक पहुंचा सकते हैं कि आज तक पुलिस के हाथ से कोई भी गुनहगार बच नहीं पाया। और हम सर, गुड मॉर्निंग। हे सर, गुड मॉर्निंग। एसीपी लाल बिहारी को बुलाओ जल्दी। सर वो लाइव में बातें कर रहे हैं, अभी नहीं बुला सकता मैं। भाड़ में गए उसकी बातें, चल बुलाओ उसे। लाइव से ज्यादा जरूरी मेरा काम है। सर अंदर जाना मना है। जान से मार दूंगा, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी बुला, पता कि मैं आया हूँ। हेलो, नमस्ते साहब, यहाँ कोई आए हैं? एसीपी अंदर है, वो उनसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त एसीपी से कोई नहीं मिल सकता, उन्हें वापस भेज दो। वो कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं। क्या बता रहा है? अपना नाम भाई बता रहे हैं। ये भाई ने दिया है, एसीपी को ऐसा बोल देना। हाँ। भूल मत जाना। ठीक है सर। मणि, ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब को देने के लिए कहा है। ये मैं दे दूंगा, तू जाके देख कोई कुरियर तो नहीं आया है। हाँ ठीक है सर। Thank you.
अभी तक आपने बशीर नगर मर्डर केस के बारे में कुछ नहीं बताया सर। वंस अगेन थैंक यू सर। नो नो, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। रवि, रवि कुमार। सर। क्यों, खूनी का कुछ पता चला? यस सर, पता चल गया। भाई के किसी आदमी ने ये खून किया है। डबिंग से साबित हो चुका है। खूनी का नाम है एलेक्स देव। हेलो, मैं एसीपी लाल बिहारी बोल रहा हूँ। भाई है क्या? जैक, बाय जैक, ठीक है, बाय। नमस्ते सर। भाई आप कहाँ हैं? मैंने घर पर फोन किया था, पता चला आप निकल चुके हैं। मैं इस वक्त एयरपोर्ट जा रहा हूँ। क्या बात है, बोलो। गुड न्यूज है सर, खूनी कौन है ये पता चल गया। आपका ही एक साथी खूनी है, नाम है एलेक्स देव। एलेक्स देव? सुनो, उसका फोटो मैं अभी वहाँ देके आया हूँ। क्या कह रहे हैं सर? मुझे तो किसी ने नहीं दिया। ओहो, तुम वहाँ सबसे पूछो, मैं अभी आ रहा हूँ। रंगा, गाड़ी रिवर्स ले। उसका फोटो यहीं किसी के पास दिया गया है। हरी अप, बी अलर्ट, बाहर कोई ना जा पाए। सबसे पूछो, कम ऑन रवि कुमार, सबकी तलाशी लो। कम ऑन, फास्ट फास्ट, जल्दी करो। नमस्ते सर। किधर है एसीपी? अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। सबसे पूछा क्या? सबसे पूछा साहब, किसी ने नहीं बताया। उससे पूछा क्या? नहीं सर। ए, किधर है मेरा दिया फोटो? फोटो के बारे में मैं नहीं जानता सर, वो कवर में जैक सर के पास दिया था। मैं खुद उसके बाद बाहर चला गया, अभी अभी तो आया। जैक कौन है? जैक, आखिर फोटोग्राफ किसी के पास तो होगा ना। ये जैक कौन है? चीफ रिपोर्टर है सर। रिपोर्टर है? हाँ। मेरी दी हुई फोटो उसके पास क्यों है? मुझे अभी उससे मिलना है। सर, जैक सर तो क्या अर्जेंट बाहर गए हैं? कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं मुझे। वो कौन है, कहाँ रहता है, ये जानना है मुझे। उसका बायोडाटा तो होगा ना आपके पास? सबका बायोडाटा इसमें फीडेड है सर। मुझे देखना है अभी के अभी। ठीक है, दिखाता हूँ। स्टॉप, यही है, यही है वो देव, एलेक्स देव। साहब इसका नाम जैक है और ये बहुत अच्छा इंसान है। नो, लाल बिहारी, यही है, यही है वो। ऐसे कैसे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये कैसे कर सकता है वो। लेकिन जीवा को इसी ने मारा है, इसे किसी भी हालत में छोड़ना मत। मुझे इसी वक्त चंडीगढ़ जाना है, नहीं मेरा करोड़ों का नुकसान होगा। आप टेंशन मत लीजिए सर, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से चंडीगढ़ जाइए। आपके लौटने तक हम इसे सलाखों के पीछे कर चुके हैं। हेलो, मैं उमा बोल रही हूँ। आप जैक नहीं है, एलेक्स है, इस बात का पता चल गया है। और फोटोग्राफर का खून आपने ही किया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। भाई टीवी स्टेशन में आकर गवाही देकर चंडीगढ़ चले गए हैं, तुम वहीं रहना। यहाँ मत आना। हेलो, हेलो। इसे संभाल।
लगता है खून यहाँ से निकल गया सर। लगता है हमारे आने की खबर उसे मिल गई होगी सर। उसे किसी ने इन्फॉर्म कर दिया होगा सर। ठीक है चलो चलें। हेलो आर्या ट्रेवल्स। हेलो मैं जैक बोल रहा हूँ। अरे सर अभी घर से निकले नहीं क्या? हमारा लड़का आपका टिकट लेकर स्टेशन पे इंतजार कर रहा है। ट्रेन निकलने में 30 मिनट बाकी है, जल्दी जाइए आप। चंडीगढ़ नॉर्थ। गुनहगार बचकर निकल गया सर। जैसे हम उसे फॉलो कर रहे हैं वैसे वो भी हमें फॉलो कर रहा है। वो नॉर्थ साइड में गया है, ऑन द अदर साइड, देश की उत्तर दिशा में। लगता है वो भाई चड्डा को ढूंढने के लिए उनके पीछे गया है। ओके, वो बचने के लिए अगर नॉर्थ गया है तो फिर हमें किसी भी तरह से फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा, क्योंकि मेरे साथ ट्रेनिंग लिया हुआ मिस्टर रतन सिंह वही है, बेस्ट सिटीजन सिंगल मैन फोर्स। उसके सामने कितना भी बड़ा धुरंधर हो वो टिक नहीं सकता। इंसानियत के रूप में वो साक्षात ईश्वर है। दुश्मन का कोई भी बॉम्ब उसकी इंसानियत को नहीं उड़ा सकता। गरीबों को दुख होता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं और दुश्मन के लिए वो काल है। वेलकम मिस्टर रतन सिंह, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई नॉर्थ। वाह ये क्या सर, आप मिनिस्टर हैं और मेरे लिए आप इस तरह उठ के आ गए। आप भी मुझे मिनिस्टर समझ रहे हैं? ये बात नहीं है सर। मिनिस्ट्री से मेरा रिश्ता कुछ एक साल का ही बचा है, लेकिन इंसानियत के नाम पर जो आपने नाम कमाया है वो हमेशा रहेगा। बैठिए। रतन सिंह तुम जानते हो, जाति पाति राजनीति, मंदिर बांधना, मस्जिद तोड़ना, ये सब गंदी राजनीति का हिस्सा है। इस झमेले में एक खास केस तुम्हारे हाथों में देने जा रहा हूँ। फूड कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स, आईएएस ऑफिसर्स, सिविल सप्लायर्स, सब लोग वेट कर रहे हैं। सर, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच आप मुझे। वेट वेट, पहले डॉक्यूमेंट्री देख लो। ऑपरेटर ऑन करो। आजादी की आंधी चारों तरफ चल रही थी 1942 में। इस दृश्य को ना देखा हो ऐसा शायद ही कोई था। थोड़ा थोड़ा करके भूख से बिलखते हुए बच्चे, बूढ़े, जवान एक एक करके दम तोड़ रहे थे। भूख से बेहाल नन्हे बच्चों का वो हाल था कि खेलने कूदने के बजाय जूठे पत्तों को आपस में एक दूसरे से नोचते थे। उंगली थाम के साथ चलने वाले छोटे भाई के हाथों से बड़ा भाई निवाला छीन रहा था। आजादी की लड़ाई में जो तबाही मची थी उसका सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा। हिंदुस्तान की जनता ने हारने के बाद भी हार नहीं मानी, जिंदगी से लड़ाई चलती रही। हिंदुस्तान के गरीबों की प्यास और आंसुओं की कहानी उस दौर से लेकर आज तक लिखी जा रही है। माँ की आखिरी सांसों में भी एक नन्हा दूध की बूंदें तलाश रहा है। इस तरह वो प्यास से तड़प के शहीद होने वाले कितने भारतीयों के आंसुओं से इस देश की कहानी लिखी गई है। आजादी के बाद हमारे इस देश भारत में 1950 में 50 मिलियन टन अनाज की उत्पत्ति ना होने की वजह से विदेशों से हमें आयात करनी पड़ी। बारिश ना आने की वजह से पूरे देश में अकाल की हाहाकार मच गई। हमारे इंजीनियर जमीन से ही वर्षा करवाकर विमानों से बीज बोकर खेती करने लगे। परिणाम अच्छा रहा, लालची नेताओं की आंखें और बड़ी हो गईं। अनाज के गोदामों को देखकर फिर भी गरीबों के मुंह में निवाला नहीं पहुंचा। मेहनत करने के बावजूद उन्हें भूखा पेट सोना पड़ता था। इन सब के जिम्मेदार जमाखोर हैं ये लालची दरिंदे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उड़ीसा में बच्चों को एक वक्त की रोटी न मिलने की हालत में मूंगफली के दाने खाकर ही उन्हें वक्त गुजारना पड़ा। उस मूंगफली से ही वो अपनी भूख मिटाकर बच्चे खुश हो रहे थे, मगर घर के बड़े लोग भूख के मारे तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे थे। कब खत्म होगा यह सिलसिला जो आज भी बदस्तूर जारी है। मिस्टर शक्ति, एक्सप्लेन द प्रेजेंट सिचुएशन। यस सर। हमारे देश के उत्तर में पैदा होने वाला करोड़ों टन अनाज इस गोडाउन में सुरक्षित रहता है। ये इस रास्ते से होते हुए मंडी हाउस में जाकर यहाँ से जनता तक पहुँचता है।
बाकी जो बचता है वो गोडाउन में रहता है। लेकिन असल में होता ये है कि इस गोडाउन से निकला हुआ माल डाइवर्ट होकर 30% के करीब ब्लैक मार्केट के जरिए यहाँ पहुँच जाता है। यही हमारी बदकिस्मती है। तुम्हारा क्या कहना है? मैं क्या कहूँ सर, सब कुछ तो फिल्म ने साफ साफ कह दिया है। इस तरह के कितनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इससे भी भयानक। एक इंसान अपनी मौत मरता है तो उसे विधि का विधान कहके बात को खत्म कर देते हैं, लेकिन सूखे से, अकाल से, भूख से तड़प तड़प के अगर इंसान मरे तो उसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं। दिन भर मेहनत करते हैं गरीब, रात में एक बार पेट भर के खाने के लिए, और अगर वो भी उन्हें ना मिले तो इसमें सिर्फ कानून को ही दोष नहीं दे सकते हैं। जनता की खामोशी भी इसके लिए जिम्मेदार है। तुम्हारी नजर में इसका इलाज क्या है? कैसा इलाज करेंगे सर, पैसों की लालच में इस देश के नेता लोग गरीबों का निवाला छीनकर अपने गोडाउन में जमा करते हैं, डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाते हैं, ऑफिसर से सब जानने के बावजूद आंख में पट्टी बांधकर टेबल के नीचे से रिश्वत लेते हैं सर, और ऊपर से दिखाते हैं कि हर नेता बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे देश में हद से ज्यादा आजादी की छूट और विदेशों से अरबों रुपयों का कर्जा ले रखे हैं गरीबों की भलाई के नाम पर, नेताओं को ऐश करने के लिए। 1984 में ही हमारा देश बिक चुका है सर। हमारे देश में आज भी अनाज की पैदावार 200 मिलियन टन की है, उसमें से 200 टन बर्बाद हो गया बताते हैं, नहीं उसे नेता और बड़े बड़े ऑफिसर अपने हिस्सों में बांटते हैं, वो भी किसानों को कौड़ियों के दाम देकर, और सड़े हुए अनाज को अच्छी क्वालिटी का है कहकर जनता को सप्लाई करते हैं और अच्छे अनाज से अपनी तिजोरी भरते हैं। वोट डालने वाला इंसान के अधिकार को पहचान कर देश का कोई भी नेता किसी के साथ इंसानियत नहीं दिखाता है सर। राशन लेने वाली जनता को जब खाली हाथ लौटना पड़ता है तब वो यही सोचती है कि अब फिर मेरे घर में चूल्हा कब जलेगा। इसका क्या इलाज है रतन सिंह? सजा देनी चाहिए। पैदा करने वाली माँ भी जब तक छाती में दूध रहता है तभी तक पिलाती है, लेकिन हमारी धरती माँ हर किसी को जीवन भर अनाज परोसते रहती है। उस अनाज को जनता के मुंह से छीनने वाले उन दरिंदों को दंड मिलना ही चाहिए। You are absolutely right. तुम्हारे हिसाब से हर स्टेट के हेडक्वार्टर्स को इस करप्शन को रोकने के लिए मैं आज ही अपने फरमान जारी कर दूंगा। इंडिया का मेजर कल्टिवेशन पंजाब का उत्पाद है। सारे जमाखोर दरिंदे लोग वहीं से अपनी उड़ान भरने की साजिश करते हैं। मैं तुम्हें चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का इंतजाम कर देता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सच कहूँ तो तुम्हारे लिए कुरुक्षेत्र है। अर्जुन के निशाने की तरह तुम्हारा निशाना भी नहीं चूकना चाहिए। आंखें मूंद कर जनता की बातों में आकर मैं और उपदेश देने के फिराक में नहीं हूँ। अर्जुन की आंख रखने वाला एक महावीर ही इस युद्ध में जीत सकता है, और वो योद्धा हो सिर्फ तुम। ये जीतने से ज्यादा गरीबों का आंसू पोंछना मेरा पहला कदम होगा सर, इसलिए मुझे उड़ीसा जाना होगा। ऑल द बेस्ट रतन सिंह। थैंक यू सर। ओके। रतन सिंह आओ। इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? फिकर की बात नहीं, बस वायरल फीवर है। घर पे फोन किए क्या? नहीं नहीं, उन्हें ये बात मत बताना। यहाँ आएंगी तो बेवजह परेशान हो जाएंगी, इसीलिए फोन करने से मना किया है। आपकी सेहत खराब है, ये बात घर में पता चलनी चाहिए। बैठो। थैंक यू सर। दिल्ली से चंडीगढ़ आते समय मेरी तबीयत खराब हो गई। तो फिर सर चंडीगढ़ आने का प्रोग्राम आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? मैं ऑलरेडी यहाँ के लिए निकल चुका था, इसीलिए यहाँ तक मुझे आना ही था। यहाँ से 750 किलोमीटर दूर है आपका गांव। आप लोग बाहर जाइए। मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई जब तुमने उड़ीसा की बात मुझे बताई। गवर्नमेंट होती है जनता के लिए, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। तुमने पेपर में पढ़ा होगा भूख के मारे पूरे खानदान ने जान दे दी। अब मैं क्या बताऊं सर, भूखे रहने वाले को ही भूख का एहसास होता है। जिसका पेट भरा होता है उसे थोड़ा सोचना चाहिए, यही सरकार का फर्ज है। और तब कहीं जाकर जनता से कोई पूछे कि भाई क्या चल रहा है, तब वो कहेंगे हमारे वोट की कीमत सही है, जनता ही हमारे लिए सब कुछ है और हम जनता के नुमाइंदे हैं। ये बात नेता लोग भूल चुके हैं। किसी गरीब को पीने के लिए गिलास पानी मिले या ना मिले, लेकिन नेता लोग के बंगले का स्विमिंग पूल पानी से भरा रहता है। जनता 5 साल में सारी गलतियां भुलाकर
वापस फिर से वही गलती करती है। तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, जनता का ख्याल रखना नेताओं का पहला फर्ज होना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी सर, कॉल फ्रॉम चेन्नई। हेलो, रतनवीर स्पीकिंग। सर वन मिनट, रतनवीर सिंह जी लाइन पे हैं सर। आई सी। हेलो मिस्टर रतनवीर, नमस्ते। नमस्ते, कहिए। हाँ, मैं कमिश्नर धर्मराज बोल रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। आप तो ईद के चांद हो गए हैं, मैंने फोन किया तो पता चला आप उड़ीसा गए हुए थे, सही वक्त पे मिल गए। जी हाँ। आपसे मुझे एक मदद चाहिए। टेल मी। यहाँ से एक खूनी फरार होकर चंडीगढ़ गया है, उसका एम है एक और बिग पर्सनालिटी का खून करना। हम चाहते हैं आप उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करें। ओके, उसकी सारी डिटेल्स चंडीगढ़ के पुलिस हेडक्वार्टर्स में भिजवा दीजिए। ओके, आई विल सेंड ऑल द डिटेल्स। थैंक यू सर, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं कल आके मिलता हूँ। तुम जिस बारे में बात करने आए थे वो बात तो हो ही नहीं पाई, तुम भी क्या करोगे, जाओ काम करो। ये रही सारी डिटेल्स। सुनील, जो आपने मुझे फाइल ढूंढने के लिए कहा था वो नहीं मिल रही। अरे ढूंढो ढूंढो। मैं कहाँ ढूंढू उसे? कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के लाई हूं। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, आई गॉट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कोई और इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे भेज देना। यस सर। सारे साउथ जोन के डीसी को कांटेक्ट करो, पहला चंडीगढ़ डीसी, पंचकुला डीसी, उसके बाद बाकियों को भी भिजवा देना। ओके सर। मिस्टर असलम सर, एवरीथिंग शुड बी इन आवर कंट्रोल। हां सर, हमें हर चीज की खबर दिल्ली में देनी है। जी सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब वो हमारे हाथ से बच के नहीं निकलना चाहिए। सर अंदर का रास्ता पहाड़ी इलाका है, अंदर से हम। हे, डू व्हाट आई से। अशोक सुनो, इसमें उसके फोटोग्राफ्स बिल्कुल रेडी है, ये शख्स कभी भी चंडीगढ़ पहुंच सकता है। सर हमें चंडीगढ़ में तीन जगह पे नजर रखनी है। यस सर। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और भाई के अक्सर ठहरने वाला शिवाली व्यू होटल। Hey Mark, hey come down. Hey, wait. I'll take you to the hotel. Sir. Come on, come. Coach, yeah. Problem is there. What's the problem? What I should do? Practice more. Okay. Hey gentlemen, here is reception. Thank Very hard face. Yeah. Excuse me. Yes, please. May I help you? My friend Shekhar Rakhu, Chennai se. Yes. He is in which room? Yes, he's staying with us, 401. 401. Yes. Thank you. You're most welcome. Yeah, I'll take you there. Yeah. Hey, gentlemen, there is a 401. Thank you. It's okay. वेलकम मिस्टर एलेक्स देव, चंडीगढ़ पुलिस को तुम्हारा ही इंतजार था। अब इस तरह क्या देख रहे हो? ये शिवाली व्यू होटल ही है और रूम नंबर भी 401 ही है। अब तो तुम जान गए होगे कि मैं कौन हूं। यहां पर तुम जिन्हें ढूंढते हुए आए हो उन्हें तो मैंने यहां से शिमला भिजवा दिया है। शेखर रघु के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली में जानता हूं। अगर मैं चाहता तो चंडीगढ़ स्टेशन पर ही मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लेता, लेकिन हमारे राज्य की इज्जत किसी और के हाथ में ना जाए इसलिए नहीं पकड़ा। और जब तुम अंधे बने हुए थे मैं तुम्हें वहां भी पकड़ सकता था, लेकिन विदेशियों के सामने एक इंडियंस की इज्जत ना जाए इसलिए वहां नहीं पकड़ा। तुम क्या समझते हो कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता? अपने टकले को सैकड़ों शहद की मक्खियों से ढक के लाओगे तो भी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इज्जत से सरेंडर कर दो। Thank you.
ए एलेक्स, क्या यार भाग भाग कर यही जिंदगी का सफर तय कर लोगे क्या? आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे पूरा शहर घुमा दूंगा। ठीक है, भाग 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 जहां तक भागना है। एए, एए, पीछे हटो, बाजू हटो। ये किधर चला गया? कौन हो तुम? Yes. सर, सर, एम्बुलेंस में सीएम साहब है सर, वो बहुत ही सीरियस है, हम लोग किडनैप हो गए हैं सर। एम्बुलेंस में सीएम साहब है? ये तुम क्या कह रहे हो? इसे छोड़ना मत, हेड क्वार्टर लेके जाओ, मैं आके देख लूंगा। केयरफुल, हाँ जल्दी करो, बी केयरफुल, आराम से, आराम से, गो फास्ट, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी। He's okay, sir. Thank you very much. वो हम सबको मारकर हमारे हाथ से बच के निकल गया है सर। वो कहाँ जा रहा है इसकी इंफॉर्मेशन मुझे देते रहना। ओके सर। की तरफ जा रहा है। Ah!
आपने बहुत चंगा काम किया उसे पकड़ने का। उसने चंडीगढ़ में गड़बड़ की, इसलिए उसे उधर ही गोली मार देना चाहिए था। सर, ये तो उसे मार ही देते। उसे मारने की क्या जरूरत? उसे पकड़कर कानून के हवाले करना हमारा फर्ज है। सजा कोर्ट देगा। कोर्ट के ऑर्डर तक उसका क्यों वेट करें? जब वो गलती करके भाग रहा था तभी उसको शूट कर देते। आओ उसकी तरफ कहे, तभी तो तरफदारी कर रहे हैं। सर, ये हम लोगों को गलत समझ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? चाहे वो कोई भी हो, जब तक गुनाह साबित नहीं होता उसे सजा नहीं दे सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, चंडीगढ़ में उसे कोई गलती नहीं करने दी जाएगी। He did not do any crime here. एम्बुलेंस के साथ उसने जो मंत्री जी को किडनैप किया वो क्राइम नहीं था क्या? उसने ऐसा भागने के लिए किया था और कुछ नहीं। जो क्राइम करता है उसे पकड़ना है, दैट इज लॉ। इसीलिए हमने ऐसा किया। सुनो, ये लोग जो भी मन में आ रहा है उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उसे जल्दी से जल्दी अपनी कस्टडी में ले लो। ठीक है, कहता हूं, वो हमारी कस्टडी में रहेगा, ऐसा साहब ने कहा। सर, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, दूसरों की इज्जत ही नहीं करते। अब जाने भी दो। पर्सनल गोडाउन किस किस का है उसकी लिस्ट बनाओ। और वक्त चाहिए सर, मुझे कोई क्लियरली बता ही नहीं रहा। भाई, ये है एसीपी ऑफिसर रतन सिंह। सर, वो है भाई रघु, शिमला से लौट आए हैं एलेक्स की गिरफ्तारी सुनकर। नमस्ते सर, एलेक्स से आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप शिमला से इतनी जल्दी लौट आए, अरे आराम से आते। आराम कहाँ, बिजनेस भी तो देखना है। और हाँ सर, उस एलेक्स ने किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया क्या? डॉक्यूमेंट्स का तो कुछ पता नहीं, आपको जो भी कहना है कोर्ट में आके कहिए। क्या सर, आपके रहते हुए मुझे कोर्ट की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी? चाहे मैं कोई भी डिपार्टमेंट में रहूं, अपना काम ईमानदारी से करता हूं। रुक जाओ सर, इसे बचाने के लिए हम लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हमें जरा भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ये मर जाएगा सर, ये कुछ भी खा पी नहीं रहा है। ये खाए पिएगा तो मर जाएगा। यस, जोर जबरदस्ती से पिलाया जा रहा है इस जूस में, जानबूझकर इसके दुश्मनों ने जहर मिलाया है। हाँ? जो कोई भी इसे निशाना बना रहा है वह हमसे भी दो कदम आगे चल रहा है। वी शुड बी अलर्ट। आउट। क्यों एलेक्स, कन्याकुमारी से काश्मीर तक लगता है तुम्हारे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं और वो आहुति लेना चाहते हैं तुम्हारी जान की। गुनहगार एक दिन पुलिस के फंदे में आ ही जाता है, भले ही वो कोई भी हो, लेकिन होगा तो मनुष्य ही। और मैं उस तक पहुंच ही जाता हूं, चाहे वो पैसा लेकर खून करता हो या बदले की भावना से खून करता हो, हम उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। सुनो, सच्चाई बताए बिना तुम बच नहीं सकते। ईंट से ईंट जोड़कर बड़ी से बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन उसे बनाते समय जान गंवाने वाले की कीमत को कोई भी चुका नहीं पाता है। उसी तरह तुम भी एक गुनाह की इमारत खड़ी कर रहे हो। बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं बताओगे? जब तक तुम मेरी कस्टडी में हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लो ये जूस पियो और आगे क्या करना है फैसला कर लो। इसके केस की फाइल तैयार करो। ओके सर। सर, सर, मैं तमिलनाडु पुलिस की तरफ से आया हूं। मुलजिम एलेक्स देव को चेन्नई के कोर्ट में पेश करना है सर। आइए। यह बहुत ही जिद्दी है, पानी भी पीने तक के लिए मुंह नहीं खोलता है। देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। देखो, उठो। नहीं छोड़ूंगा, मेरे शरीर में जब तक सांस है उसे मारने की कोशिश मैं हमेशा करता रहूंगा।
मुझे इतना अर्जेंट आपने यहाँ क्यों बुलाया सर? रतनवीर, मैं यहाँ से आज दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना ब्लैक मार्केटिंग के बारे में, उनके बारे में सारी डिटेल्स आ गई हैं। गरीब मजदूरों को भूख से मारने के जिम्मेदार यही लोग हैं। और इन सबको रास्ता दिखाने वाला ये है लीडर, इस पर खास ध्यान देना। ये है? हाँ, यही है। नाम रघु, सब इसे भाई के नाम से जानते हैं। साउथ फूड कॉरपोरेशन के गोदामों का माल यही गायब करता है, खुद को छिपाने के लिए नई नई जगह ढूंढता रहता है। इसके खिलाफ चार बार मैंने रेट गिरवाया, कोई सबूत नहीं मिला। इसने वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ छुपाए हैं कुछ नहीं पता चला। बहुत बड़ी गलती हो गई सर, जिसे इंसाफ मिलना चाहिए था उसे सजा का हकदार बना दिया, और जो सजा का हकदार है उसे इज्जत से रिहा कर दिया। क्या कह रहे हो? जी हाँ सर, इस भाई को मारने के लिए आए हुए एलेक्स को मैंने सलाखों के पीछे डाल दिया, और यह भाई किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुझसे पूछ रहा था, इसलिए ये कौन है, किसके साथ इसकी डील है, ये बात उससे पता चल सकती है, और वो डॉक्यूमेंट्स एलेक्स के पास ही होंगे, इसीलिए उसे जेल में भी मारने की कोशिश की गई। इज इट? यहाँ इतना सब कुछ हो गया तो चेन्नई में उसका क्या हाल होगा? कहीं वो डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ से ना निकल जाए। उससे पहले वो हमारे हाथ में आएगा सर। ऐसा कैसे होगा, वहाँ तो सारे लोग उसी के होंगे। कानून की ताकत उसके और उसके आदमियों की ताकत से कहीं ज्यादा है सर। सारी अमावश की रातें एक हो जाए तब भी एक तिल्ली की रोशनी को छिपा नहीं सकती हैं। अब आगे का कदम मैं उठाता हूँ। जय हिंद सर। कल तक कानून का काला कोट मेरे कदमों के नीचे था, आज जो मैं यहाँ आया हूँ तो कोई खास बात तो होगी। आप यहाँ आए हमारे लिए यही खुशी की बात है। हाँ, चंदा मैंने भिजवा दिया था, सब बराबर बांट दिए ना? हाँ सर, सब में बट गया। सामने कौन है? सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनका केस यही अटेंड कर रहा है। ओ, कल उसे भी दक्षिणा मिल जाएगी, कोर्ट में आने तो दो, उसे बहस करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। कौन कौन यहाँ मुँह खोलेगा? ये हिम्मत यहाँ किसी में नहीं। आप बेफिक्र रहिए, इस केस में मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। प्रोसिक्यूटर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसे जीतने का मौका मैं कतई नहीं दूंगा सर। हमारे खिलाफ उसके फेवर में डिफेंस करने के लिए कोई आ भी जाता है तो भी इस केस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये हम भूल नहीं सकते। कुछ भूलना भी नहीं चाहिए। खड़े क्यों, बैठो। ओके सर। Your Honor, ये शख्स जहां अपना कदम रखता है मुसीबत वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसे जालिम खूंखार लोगों को कानून की नजर में माफी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसे सबूतों की कमी से छोड़ दिया तब भी मोस्ट इम्पोर्टेंट विटनेस मौजूद है, मरने वाले जीवा का बयान। उसने मरने से पहले उसको किसने मारा है ये क्लियरली उसने वीडियो में इसका नाम मेंशन कर दिया है। मरने वाले ने खुद मरने से पहले अपनी मौत की गवाही दी है, ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। Your Honor, इट्स प्री-प्लान्ड, प्री-मेडिटेटेड, मोटिवेटेड, कोल्ड-ब्लडेड मर्डर। ऐसे जालिमों को फांसी की सजा अगर मिल भी जाए तो मेरे हिसाब से ये बहुत कम है। That's all, Your Honor. अभी वकील साहब ने जो कुछ भी कहा उसके खिलाफ आपको कोई सफाई देनी है? मुजरिम कभी कहेगा कि मैं मुजरिम हूँ सर? प्लीज सिट डाउन। तुम्हारा केस देखने के लिए कोई वकील है? इस केस में तुम्हारे खिलाफ वकील है लेकिन तुम्हारी सफाई में कोई नहीं है, इसीलिए मैं फैसला सुना सकता हूँ। पूरी सच्चाई जाने बगैर किसी बेगुनाह को सजा ना हो इसलिए मैं एक मौका दे रहा हूँ। तुम अपने लिए वकील खड़ा कर सकते हो या ये चाहते हो कि कोर्ट तुम्हारी मदद करे? तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? तुम्हारे लिए सफाई देने वाला कोई नहीं है? मैं हूँ योर ऑनर, मैं हाजिर हूँ। ओह थैंक यू, देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। अरे हरी, हाउ आर यू? फाइन। वो क्या है? अरे ये क्या ठग के केस में दफा 376 लगाई है? ये तो रेप की दफा है, ठग की 380 होती है। तू कब सीखेगा, कानून बदलेगा क्या? चल इसे ठीक कर जल्दी, ये सारी दफाएं पढ़कर याद कर लेना। ओ, ये मेरे क्लाइंट के पेपर हैं, साहब को दे देना। ओके योर ऑनर, अचानक मिस्टर चक्रवर्ती आके इसके तरफदार बन गए, ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं क्या? अगर ऐसा है तो कैसे? कैसे कैसे जानेंगे? वकालत अभी अभी शुरू हुई है, जस्ट नाउ। वैसे आपकी पोस्टिंग किसी नई जगह हुई है क्या? शहर में, गांव में या नगर में?
नहीं हुई ना तो फिर आप कैसे जानेंगे? इसके जैसे जालिम इंसान के फेवर में क्यों वकालत करने आए आप? ये जालिम इंसान है। ओह ओके, इनके चेहरे पर तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? हाँ क्यों, ये मुजरिम नहीं है क्या? Yes. ये तो तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। कौन मैं? ओके, कोई बात नहीं है, मैं आपको ही फॉलो करता हूँ। मुद्दे की बात करें, कोई जीवात्मा परमात्मा आप किस पर बिलीव करते हैं? देखिए सर, आपको किसी ना किसी आत्मा पर तो जरूर विश्वास होगा, वरना आप हल्दी कुंकू चंदन को घोलकर अपने माथे पर तिलक लगाकर क्यों आते? बोलिए बोलिए। अब हम इस केस के बारे में बात करें। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये खुद ही मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। लंदन में वकालत करने के बाद यहाँ आज आप एक खूनी की पैरवी कर रहे हैं, ये तो शर्म की बात है। हे वेट अ मिनट, वेट अ सेकंड, आप इतने कंफर्म कैसे हो सकते हैं कि ये गुनहगार है? उस फैसले के लिए जस्टिस साहब कोर्ट में मौजूद है ना, वो जब कहेंगे तो हम मान लेंगे। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, आपके होते हुए आपको ये गलत दिशा दिखा रहा है। मैंने सही कहा ना, हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि हर कोई अपना काम करने के बजाय दूसरों के काम में टांग अड़ाता है? व्हाई इज दैट? नाउ आई कैन प्रोसीड योर ऑनर। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। इस केस में सही क्या है गलत क्या है ये प्रूव करने के लिए अक्यूज के खिलाफ जो भी गवाह है उन्हें मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा। प्लीज गिव मी योर परमिशन फर्स्ट। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं आपको कुछ कहना है क्या? सर ने मुझे ऑर्डर दिया है क्रॉस एग्जामिन के लिए, आप अपनी कुर्सी संभालिए, जाइए जाइए, हमेशा काम में टांग अड़ाते रहते हैं। हेलो साहब ने इजाजत दी है, जल्दी से गवाह को बुलाइए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि उनसे क्या सवाल करना है और क्या क्या पूछना है। okay, जल्दी बुलाइए। सुबह राव, हाजिर हूं। आपका साहब इसी ने खून किया है। वेट, पहले गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ सुबारा, उसके बाद बयान देना। चलो हाथ रखो और कसम खाओ। सर जो भी कहूंगा सच कहूंगा। You can take the book now. सर इसी ने खून किया है, मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। मिस्टर सुबाराव, मैंने अब तक आपसे कोई सवाल पूछा नहीं, लेकिन आप तोते के माफी बोलने लगे, जैसे हमारे वकील साहब ने आपको पहले बोलने के लिए बोला। I object, Your Honor. किसने इन्हें सिखाया है? हमारे गवाह को कोई भी बात सिखाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने की। जो कुछ इन्होंने दिखाई है वही कह रहे हैं। Wow, that's very interesting. वैसे आपके ये विटनेस मिस्टर सुबाराव जी, इन्होंने आते ही क्या कहा? मिस्टर देव ने ही खून किया है और उन्होंने अपनी दोनों आंखों से देखा है, यही बात कही ना? जी सर। तो ये मिस्टर सुब्बा राव, इन्होंने एफआईआर के दरमियान क्या बयान दिया था? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे सिर पर किसी ने पीछे से बहुत जोर से मारा, मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, राइट? ये हुआ एक स्टेटमेंट। अभी के पुलिस एफआईआर के फाइल में दूसरा स्टेटमेंट आपने दिया कि नहीं? जी मुझे नहीं पता। हाँ इस तरह सच बोलो ना, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। ओके मिस्टर सुब्बा राव, देखते हैं आपको कौन सी बातें याद है। या वेल ये क्या है, इसे जानते हैं आप? नहीं जानता मैं। नहीं जानते? अब बताओ। नहीं जानता। नहीं नहीं जानता। व्हाट इज दिस मिस्टर सुबाराव, कम से कम मुझे तो जानते हैं ना। मेरे काबिल दोस्त ये सब क्या है? योर आई विटनेस इज अ ब्लाइंड विटनेस। मिस्टर सुबाराव कम से कम एक चश्मा तो लगा लेते। सर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, 100 रुपीज। सिर्फ 100 रुपए में एक चश्मा ना खरीद सकने वाला यह मिस्टर सुबाराव 16,000 रुपए का एक नया कलर टीवी ले सकता है, वो पैसे इनके पास कहां से आए? कहां से आए? योर ऑनर, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। नो, मेरे काबिल दोस्त, मैं किसी गलत दिशा में नहीं जा रहा हूं, मैं इस केस के बारे में सही बात कर रहा हूं। जस्ट लिसन, मिस्टर सुबाराव को मिस्टर देव को सजा दिलाने के लिए झूठे गवाह के तौर पर रिश्वत दी गई है 14,000 रुपीज और एक कलर टीवी। मुझे टीवी मिला या आपको कैसे पता चला? इतना ही नहीं मिस्टर सुबाराव, आपके घर में केबल टीवी के कनेक्शन से लेकर उसके कनेक्शन तक की सारी बातें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो आप बहुत मजे से देखते हैं। ओके, यू कैन गो नाउ, घर जाइए और कलर टीवी एंजॉय कीजिए, क्योंकि जेल जाते समय तो कलर टीवी आप जेल में नहीं ले जा सकते ना। गो। ऑर्डर। इस तरह योर ऑनर, इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल लोगों की दी हुई झूठी गवाही से खामोश खड़े मेरे क्लाइंट मिस्टर देव गुनेगार नहीं हो सकते, ये बात साफ हो चुकी है, you know? मिस्टर चक्रवर्ती, जल्दबाजी में तुम कोई गलत फहमी में मत आना। रियली? एक और अहम सबूत बाकी है। कौन? जिसका मर्डर हुआ वही विक्टिम है, बुलाइए उन्हें। क्या? योर ऑनर, वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए हमें कुछ समय और चाहिए। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। उस वीडियो टेप को हाजिर करने के लिए मैं तुम्हें मंडे तक समय देता हूँ। थैंक यू योर ऑनर, सी यू ऑन मंडे सर, उस दिन मैं भी देखा दूंगा कि क्या चीज हूँ। भाई मैं हूँ, मिस्टर चक्रवर्ती ने हमारे केस को पलट दिया है। क्या पक रहे हो तुम? मैं आके डिटेल में बताता हूँ। वो मैं वहाँ आ रहा हूँ भाई, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं Hey, रोजी, अरे तुमने बताया नहीं, पिछली बार भी तुम बिना बताए आई और चली गई। मेरा कार्ड तो है ना, ठीक हो ना? ओके, फोन पे बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
अरे इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा वो कौन है? कौन वो? कोई नहीं, मैं बस ऐसे ही उसे छेड़ रहा था। मुझे भी ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है। आप आ रहे हैं पता चलती है, मैं सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ। अरे मैंने कहा तो था 11 बजे पहुँचूंगा। वो तो सही है लेकिन आपके लिए दिन भर इंतजार कर सकता हूँ। बालू गेट द कार मैन, कम ऑन प्लीज। ओके सर आइए। देव ने कुछ कहा क्या? कहा क्या? वो तो मुझसे आंखें मिलाकर ठीक से बात भी नहीं करता है। बहुत ही स्ट्रांग और ढीठ किस्म का इंसान है वो। अगर ये बात आप पहले ही बता देते तो शायद ये केस में हाथ में लेता ही नहीं। लेकिन एक बात मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ सर, उसे अरेस्ट करके सलाखों के पीछे आपने ही भेजा है और उसे बचाने की कोशिश भी आप कर रहे हैं। दोनों बातें कुछ समझ में नहीं आ रही, माजरा क्या है? चंडीगढ़ में जिस भाई को वो मारने के लिए आया था, वही भाई हमारे देश में सैकड़ों लोगों को भूख से मारने का जिम्मेदार है। भाई सिर्फ उसी का दुश्मन नहीं है, मेरी नजर से देखो तो वो पूरी जनता का दुश्मन है। ओ, ये बात है। हम दोनों के रास्ते भले ही अलग हो लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक ही है, समझ गए? अच्छा अब मुझे देव से मिलना है, मिल सकता हूँ क्या? क्या मिल सकता हूँ क्या? क्या सर आप इतने बड़े इंसान है और इस तरह का सवाल पूछते हैं? आप सिर्फ हाँ कहिए सर, जेल के वार्डन से लेकर अथॉरिटी तक क्यू में खड़े होकर सैल्यूट करेंगे आपको। अरे रे रे रे, ये सब मैं नहीं चाहता हूँ, खामोशी से काम होना चाहिए। इतने साल आप नॉर्थ में रहे, मैंने सोचा आप बदल गए होंगे सर। लगता है मैं ही बदल गया हूँ। क्या सर आप भी, आप एक जुगनू की तरह हीरो हो सर। देव इस तरह क्या देख रहे हो? बार बार मेरी सूरत तुम्हारे सामने क्यों आ जाती है? यही ना, क्या करे देव, चोर पुलिस का खेल तुमने ही शुरू किया था ना, अब इसे खत्म करना है। अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स तुम कहां रखे हो? मिस्टर देव, जहां जरूरत नहीं है वहां बेफिजूल की बातें करना, जहां बात करनी चाहिए वहां तुम्हारा इस तरह खामोश रहना, यह ठीक नहीं। तुम्हारे दिल में क्या है बताओगे तो हमें पता चलेगा ना, बताओ। मिस्टर देव, मिस्टर रत्नवेल और मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, यकीन करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमें छोड़ो, आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है उमा। तुम्हारे दिल में कौन सी ज्वालामुखी दहक रही है ये हमें उमा से पता चला। मेरे लिए भले ही कुछ ना कहो लेकिन इनके लिए प्लीज सच्चाई बता दो। जैकलीन, सबकी जिंदगी शुरू होती है माँ बाप के बताए हुए रास्तों से, लेकिन मेरी जिंदगी शुरू हुई मेरी बहन के बताए रास्तों से। प्लेटफॉर्म पर तस्वीर बनाया करता था मैं, और वो तस्वीर बेचता था मेरा दोस्त जीवा। हम दोनों को पुलिस ने एक दिन अरेस्ट कर लिया। पुलिस का कहना था कि रोड पर तस्वीर बनाना कानून के विरुद्ध है। जी हाँ, हाँ बे, तू जो कर रहा है वो कानून के खिलाफ है। तुझे इजाजत लेनी चाहिए थी ना। इजाजत की क्या जरूरत है, इज्जत की रोटी कमाने के लिए तस्वीर बनाकर उसे पेड़ के नीचे बेचता हूं। तभी तो देना पड़ेगा पेड़ के नीचे बैठने का हफ्ता। यहाँ जितने भी पेड़ है ना, वो तेरे बाप दादा की जागीर नहीं है, हमने बोए हैं, हमने उन्हें पानी दिया है, हमने उनकी देखभाल की है, इसलिए हफ्ता मांग रहे हैं। बोल कब देगा। मेरे लाख समझाने पर भी वो इंस्पेक्टर नहीं माना, तब वहाँ मेरी बहन आ गई। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मेरे भैया को अरेस्ट क्यों किया? ए ऊंची आवाज में बात मत कर, अपने आप को लड़का समझ दिया क्या? मैं अपने आप को लड़का ही समझती हूँ। सुन ले, पुलिस जो करती है उसके पीछे वजह होती है। कैसी वजह सर, कैसी वजह बताइए ना सर। Do you have any complaint either from public or corporation? Have you given any legal notice? Do you have any court orders? You are massacring the drowned children. Damn it! Instead of enforcing the law, you yourself are breaking the law, all just for money, huh? बहुत अच्छा बोला मैडम, ऐसा होना भी चाहिए। पुलिस वाले की एक गलती पर अंदर आकर आपने उसे जिस तरह से झाड़ा मुझे अच्छा लगा। प्लेटफॉर्म पर तस्वीर बनाकर बेचने वाला मैं अपनी बहन का ये रूप देखकर सब कुछ भूल गया। फिर जीवा मुझे अपने किसी खास पहचान वाले के पास लेकर गया ये कहकर कि अब हम प्लेटफॉर्म पर धंधा नहीं करेंगे। तब मैं ये नहीं जानता था कि मेरा ये कदम मेरी जिंदगी बदल कर रख देगा। अब समझ लो तुम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। मेहनत तो सभी करते हैं, वो हर किसी की किस्मत में लिखा है, लेकिन ये भी सच है तुम्हारे जैसे ईमानदारों के पास तकलीफ आनी नहीं चाहिए।
इसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है। हीरे की कीमत एक जौहरी जानता है। ईमानदारों को अक्लमंद ही पहचान सकता है। तुम्हारी ईमानदारी की मुझे जरूरत है रंगा। लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में ही शोभा देती है। भाई के साथ हमारे जुड़ जाने के बाद सिर्फ रोजी रोटी नहीं, हमारी जिंदगी भी खुशहाल हो गई और बहन की पढ़ाई भी पूरी हुई। मुझे शक होने लगा वो क्या चाहते हैं। मेरी जिंदगी का भी एक ही सपना था, अपनी बहन को एक खुशहाल जिंदगी देना। एक दिन मैंने उससे पूछा, भैया तो मुझे ऐसे क्या देख रही हो? शिवा ने मुझे नहीं बताया और तुमने भी मुझे नहीं बताया, फिर भी मुझे कैसे पता चल गया, यही सोच रही हो ना? जैकलीन, बचपन में जब तुम रोती थी तो तुम सोने के लिए रो रही हो या भूख के लिए रो रही हो, ये तुम्हें सीने से लगाते ही मैं समझ जाता था। तो क्या आज तुम्हारे मन की बात नहीं समझ पाऊंगा? वो तुम्हें पसंद है ना? आप भी ना भैया। नाले क्या कर रहा है? एक एक हटाओ हटाओ इसे। हटाओ हटाओ, ये किससे कह रहे थे? भैया कितनी देर हो गई, आपको जल्दी उठना चाहिए ना, कितना काम पड़ा है। वो क्या है ना, मुझे बहाने नहीं चाहिए, उठो जल्दी उठकर काम देखो। मैंने चित्तूर में भाई की मदद से अपना तस्वीरों का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। ये है उसका विजिटिंग कार्ड, देर हो रही है, जल्दी जाओ। अरे तो मुत्तू है। अरे वो फोटो नहीं धुलवाना क्या? अरे यार जो सवाल मैं करने वाला था वो तुम कर रहे हो। 10 रुपए में तुमने 3 फोटो निकाले थे, वो अब तक धुलाए नहीं है। अरे वो सब काम मैंने छोड़ दिया गुरु, मेरी पहुंच अब ऊपर तक है, MP MLA वहां तक मेरी पहुंच है। कुछ भी काम हो तो मुझे बताना, चुटकी बजाते ही काम हो जाएगा। यार कब कौन क्या बन जाए। सुन चल हमारी फोटो निकाले, यही यादगार फोटो रहेगी। मेरी जिंदगी की वो पहली ऐसी तस्वीर थी जिसमें मेरी बहन मेरे साथ नहीं थी। ओ वो नहा रही है। सही समय। इस घर में कौन कौन सी चीज कहां रखी है मुझे अच्छी तरह से पता है, चला ना। जीवा, तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। हमारे जाल में वो पहले ही अपने आप फंस चुकी है, अब देखना वो मेरी गोद में आकर बैठेगी। वाह, सब कुछ दिख रहा है। देखो यार मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों रहा है? तुम्हारी नजरों में सभी अच्छे हैं, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। आपसे अवार्ड मिलने वाला है भाई। किस खुशी में? आपके जरिए मैं बेस्ट फोटोग्राफर बनकर अवार्ड लेना चाहता हूँ। मेरा अच्छा। निकाला हुआ एक पासपोर्ट साइज का फोटो है जिसको अवार्ड मिलने वाला है। आज के बाद आप जो ये डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाते हैं ना, उसके लिए मैं कोई फोटो नहीं निकालने वाला हूँ आज से, ये सब बंद। तू निकालता रहता तो मुझे बहुत खुशी होती। हर एक वोटर के पीछे एक राशन कार्ड, हर महीना 15 किलो चावल, ये सब तुझे और कहां मिलेगा, और जेब भर के नोट भी। ये ले, ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास ही संभाल के रख, आज के बाद तू ही है मेरी बैंक का लॉकर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। साहब, साहब पुलिस वाले आए। पुलिस? पुलिस? भाई सिर्फ भाई जुबान से कह देना ही किसी के लिए काफी नहीं होता है, भाई का फर्ज भी निभाना पड़ता है। हम आपको भाई कह के बुलाते हैं, इसका आपने अच्छा सिला दिया। मैं आपका भाई, आपका ही नमक आज हमारी रगों में दौड़ रहा है। मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता हूँ। गई आज से आपकी दी हुई हंसी गई, दुख भी चला गया।
और आपका पैसा, ये पैसा भी अपना रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और हमें चुपचाप यहाँ से जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। इस बच्चे ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दूं क्या? अंदर हो जाएंगे आप, आईपीसी सेक्शन 449-452 रेप अटेम्प्ट के केस में अंदर हो सकते हैं आप। बिटिया, तुम्हारे भैया ने रोक दिया, तुम्हारा क्या इरादा है? कैसे कैसे भूल सकते हैं, कैसे बुलाया जा सकता है एलेक्स की बहन ने? सबके सामने आपको चप्पल से मारा, ये कैसे बुलाया जा सकता है? एलेक्स की बहन की चप्पल की हर मार मेरे यहाँ कलेजे पे लग रही है। एलेक्स अपनी बहन की शादी हमारे आदमी से करवाने वाला है, अब आप क्या करेंगे और मुझे क्या करना है ये बताइए, बताइए ना भाई, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना है? बताना नहीं, हमें करना है। एक्सक्यूज मी, ये काव्या ब्यूटी पार्लर है ना? जी हाँ। मुझे एक बात पूछनी थी, सारा सीक्रेट है, किसी से कहिएगा मत प्लीज। कैसा सीक्रेट? मेरे भैया एक लड़की से प्यार करते हैं और उससे शादी कर रहे हैं। हाँ। सुना है वो लड़की यही काम करती है, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पर जैकलिन किसका नाम है आप बता सकती है? हाँ, जैकलिन। हाँ, जैकलिन, उसी से मेरा भाई शादी करने जा रहा है। लास्ट में? लास्ट में, लास्ट से पहले जो लड़की बैठी है गोल मटोल, वो है जैकलिन। क्वीन, लिपस्टिक थोड़ी गाड़ी लगाओ ना। अरे भैया, तुम्हें कोई और नहीं मिली क्या? मैं यहाँ भाभी को ढूंढने के लिए आई ही क्यों? क्या हुआ? मैं तो बहुत धोखे में रह गई थी, मैं तो सोच रही थी मेरी भाभी इसके जैसी खूबसूरत होगी, भले ही इनके जैसी ना हो, पर कम से कम तुम्हारे जैसी लंबी नाक, कोरे कोरे गाल, सपनों पे पानी फिर गया। कितनी सारी क्वालिटीज की लड़कियाँ होती हैं, स्टेला मैरिस, क्वीन मैरिस, व्हाट एल्स न जाने, और कितनी सारी कॉफी शॉप्स में हैं, वहाँ मेरे भैया को कोई पसंद नहीं आई। रुको भैया, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। उमा, 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 तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं जैकलिन हूँ, तुम उमा हो ये मैं नहीं जानती। ओह माय गॉड, अरे बापे, एक सेकंड में तुमने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया था। शॉक ट्रीटमेंट देना बहुत पसंद है ना? आपकी सिस्टर अभी तक नहीं आई? बस अभी आती होगी। अच्छा। शिवा ने आपके बारे में बहुत बताया है, आपके भैया की तारीफ करते तो बिल्कुल थकती नहीं है, उनके लिए तो वो बिल्कुल देवता ही है। देवता नहीं, देव है, एलेक्स देव। भगवान ने इस धरती पर अनेक रूप लिए हैं ऐसा मैंने सुना है, लेकिन मेरे भाई ही भगवान हैं। मैं कोई भी चीज मन में सोच लेती हूँ और मेरे मुँह से निकलने से पहले मेरे भैया लाते हैं, उसमें से एक है शादी। खून का रिश्ता भी बड़ा अजीब है। शिवा, टाइम हो गया, फोन करना। तू करना। हाँ, ओके, लो बात करो। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, देयर इज अ फोन कॉल फॉर यू, शिवा इज ऑन द लाइन। मैं जाती हूँ। रुको रुको रुको, मैं देखती हूँ। हेलो जैकलिन। क्यों, जैकलिन से बात करनी है, मुझसे नहीं कर सकते? उमा, तुम? Yes, मैं हूँ। तुम्हारा सिलेक्शन बैड नहीं है भैया, इट्स कंपेरेबल। तुमने जैकलिन को आई लव यू कहने के लिए कितने पापड़ बेले होंगे, पर उससे कहीं ज्यादा मुझे उसे पहचानने में बेलने पड़े, उसके बाद ही मैं उसे कन्विंस कर पाई हूँ। बाकी 1% बचा है, वो शादी की बात कर लूंगी। अच्छा, तुम्हारे बगल में देव है क्या, उसे जरा फोन देना। ए, तुम्हें कैसे पता वो यहाँ है? क्यों, तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, फोन दो ना प्लीज। मेरी बहन है। हेलो, कैसे हैं आप? मैं उमा बोल रही हूँ। उमा बोल रही हो? क्यों, हम पहले नहीं मिले हैं तो बात कैसे करें ये सोच रहे हो? मानती हूँ हम पहले नहीं मिले, लेकिन इस वक्त मेरी आंखों के सामने हो। तो
दुल्हन की ड्रेस तैयार है? हाँ, यहाँ रख दीजिए। हाँ जी, अच्छा, धन्यवाद। ओह माय गॉड, उमा, 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 मुझे नए लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। सिर्फ मुझे ही नहीं, सारी लड़कियों को आप जैसे शरीफ लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा बताइए, हम कब मिल रहे हैं? तुम ही बात। ए उमा। हाय, तुम लाइन पर क्यों आए? जल्दी आओ। आती हूँ, आती हूँ। इस दवा का असर होते ही एक जिंदा लाश बन जाएगी। ये कुछ देर मूर्ति के जैसे रहेगी, उसके बाद ये दुनिया ही छोड़ देगी। जैकलिन आ गई। कम ऑन प्ले। हाँ, तुझे भी ठंडा करना चाहता था, मजबूरन अधमरा छोड़ के जा रहा हूं। रंगा, चले यहां से। जैकलिन, जैकलिन, कुछ बोलो। जैकलिन, जैकलिन मुझे देखो। जैकलिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी गुड़िया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें मेरे लिए जीना है जैकलिन। नहीं, तुम जैकलिन, 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 जैकलिन। Ha 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 ha
यही है मेरी आप बीती जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे अधमरी हालत में किसी ने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। वहां भी मेरी जान को खतरा था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मैं मरना चाहता था, काश मैं उसी दिन मर गया होता तो कितना सुकून मिलता मुझे। लोग कहते हैं कि हर कर्म का फल यहीं पर भुगतना पड़ता है, लेकिन मेरी किस्मत अलग है। मैं कुछ नहीं भूल सकता हूं, गुनहगार को उसका अंजाम तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। 3 साल लोगों की नजर से बचते हुए मैं अपने आप को छुप छुप कर फौलाद बनाता गया, और उसके बाद मैंने अपना नाम बदल लिया और पूरी दुनिया के लिए जैक बन गया, और फिर जेन टीवी में ज्वाइन हो गया। फिर अपने प्लान के मुताबिक भाई ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफर जीवा के पास रखे थे, जीवा को खत्म करके मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए ताकि वक्त आने पर उसको हमेशा के लिए मिटा सकूं। देव, तुम इंसाफ परस्त हो, और भाई एक गुनहगार है। जो इंसाफ के लिए लड़ता है वो सजा का हकदार नहीं होता, और जो गुनहगार होता है वो माफी का हकदार नहीं होता। मिस्टर चक्रवर्ती, हमें देव को भी बचाना है और डॉक्यूमेंट्स को भी। अभी तक जो कुछ भी हुआ तुम्हारे हिसाब से हुआ, अब आगे की कहानी चलेगी हमारे हिसाब से। डोंट वरी मिस्टर देव, वी विल टेक केयर। श्वेता, एवरीथिंग इज डन? यस सर। नो नो, डोंट वरी अबाउट दैट, लीव इट टू मी। सर? नहीं, व्हाट हैपेंड? नमस्ते सर। आई विल कॉल यू बैक सर। यस। ए रंगा, यही है वो वकील। कौन? ये। कोई शक है क्या? इसमें आप लोग की कोई गलती नहीं है। काला कोट पहनने वाला वकील और स्टेथोस्कोप गले में लटकाकर सफेद कोट पहनने वाले को डॉक्टर कहते हैं, ऐसे आप लोग सोचते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओह, बैठिए ना आप लोग। बैठने नहीं आए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हमारे एक आदमी के खून के केस में जमानत करवानी है, इसलिए यहाँ आए हैं। कौन? किसका खून किया है? किया नहीं है सर, बस अब खून करना बाकी है। कोई बात नहीं, आपका कहने का अंदाज जरा अलग है, आई लाइक इट। आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, जब भी खून करोगे गला दबाकर या तलवार की वार से, चाहे जैसे भी खून करो, कमजोर दिल वाले को साथ में मत रखना, क्योंकि वो कभी भी फोकस में आ सकता है और केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बस 4 से 5 मजबूत लोग हो, तभी खून किसने किया और कैसे किया, एक झटके में मारा या फिर मारने वाले को इंस्टॉलमेंट में मारा, इन्हीं बातों में केस उलझता रह जाएगा। इसने किया, उसने किया, ऐसा किया, वैसा किया, इसी बातों में उलझ कर आप लोगों की जमानत हो जाएगी और आप लोग रिहा हो जाएंगे हंसी खुशी के साथ, और उसके बाद दूसरे काम के लिए तैयार। व्हाट डू यू से? हम लोग खूनी है, ये जानते हुए भी तुम हमें सलाह दे रहे हो, मानना पड़ेगा तुम्हें ये बात। अगर हमारे वकील को कहते तो अच्छा होता। कौन है वो वकील? कहीं मैं तो नहीं? मरने के बाद जमानत कैसे करोगे? अनीता, सिट डाउन। वो मुझे मारना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले ये बता दीजिए कि आप लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? आपके लिए कोर्ट या कानून कोई मायने नहीं रखता, या आपकी इंसानियत मर चुकी है, या आप लोग हैवान बन चुके हैं। आप सब लोगों को हिंदुस्तान की बजाय अफगानिस्तान भेजने के बारे में मैं अनीता से डिस्कस ही कर रहा था। क्यों अनीता, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? What do you say, अनीता? Sit down, अनीता, sit down, sit down. Okay, sir. Good. तुम सबको देखते ही मैं सब कुछ समझ गया था। तुम सब किराया लेकर खून करने वाले गुंडे हो। तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप कोई और है। इस गन का मेरे पास लाइसेंस है। तुम जैसों को भून कर बाहर आने के लिए जमानत कैसे मिलेगी, ये भी मैं जानता हूँ। सुनो, जाके अपने बॉस से कह दो, अभी तक ये चक्रवर्ती इस केस में 95% इन्वॉल्व था, आज के बाद 100% इन्वॉल्व हो गया है। गो, जाके कह दो उससे। आउट, भाड़े के टट्टू कही के। अरे रुक। अरे छोड़ो मुझे, डायरेक्टर से मिलकर एक चांस की कोशिश करने दो यार। पर स्टार है उधर, तुम नहीं जा सकते। सुपरस्टार? रजनीकांत जैसा कोई स्टंट नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। तो फिर कैसा सीन मुझे करना है? एक इंट्रोडक्शन सीन है सर। राक्षस लोग आपको घेरे हुए हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। तभी आप पर हमला होता है और आपका ड्रेस फट जाता है सर। जो मर के सड़गल गए उनके ऊपर फिल्म बना रहे क्या? क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा सर। रुक। अरे, एक बार मुझे डायरेक्टर से मिलने दो यार, मेरा चेहरा पूरी दुनिया देख लेगी, मैं महीने भर में बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा, ऐसा ज्योतिष ने कहा था यार। अरे अपनी शक्ल देखी आईने में, मैं इतना बुरा हूँ क्या? मुझे ये काम नहीं करना है। इस सीन के बाद कोई ऐसा सीन नहीं है सर। मैं एक ही बार कहता हूँ यार, और कोई सीन हो तो बताओ। सारे सीन कैसे बता सकता हूँ सर, अभी टाइम कहाँ है। क्या मतलब?
आखिरी बार कह रहा हूँ, ये सीन उससे करवा लो और उसका सीन मुझे दो, वरना ये सब पैकअप करो, मैं निकल रहा हूँ, बाय। सर 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 पानी की तरफ पैसे बहाकर फिल्म बनाने की सोच रहा था, लेकिन पहले ही दिन हीरो सेट छोड़कर चला गया, अब नुकसान कौन भरेगा? सर मैं भी उनका फैन हूँ, मैं जानता हूँ किस बात से नाराज होकर गए हैं वो, उनके लिए अपना सर मत कपाइए, मेरे लिए कोई रोल हो तो दे दीजिए प्लीज प्लीज। मैं एक्टर बनने के लायक नहीं हूँ। नए लोगों को ऐसे मत दुत्कारिए सर, सलमान भी पहले नया था, शाहरुख भी पहले नया था, इतना ही नहीं जब फिल्म दुनिया शुरू हुई तो सारे लोग यहाँ पे नए ही थे, कुरुक्षेत्र में उतरने वाले हर पांडव करो नए थे, इसलिए मुझे भी रोल दे दीजिए सर प्लीज सर। आप ऐसे क्यों देख रहे सर, कैमरे से देखिए सर। बहना सलाह के रोक नहीं सकती, मैं तोड़ कर आ जाऊंगा। एक्शन के साथ जरा चल के दिखाओ। जी सर, जैसे फैन घूमता है वैसे चक्कर लगाओ सर। ओके, मैं अपनी कला दिखाऊंगा, उसके बाद एग्रीमेंट करेंगे। ओके सर। हाँ। ए, कमरा इधर लेके आओ, जल्दी आओ। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। सुपर सुपर सर, ये तो आने वाला सुपरस्टार है। या कैसे तक गई, अब क्या होगा, भागो यहाँ से। सर पेट्रोल रखे हुए झोपड़े में किसी ने सिगरेट फेंक के आग लगा दी सर, उस झोपड़े में जितने भी लोग थे वो सब जिंदा जल गए सर, उसे उसे छोड़ना मत सर। अरे भागो, पहले दीजिए। श्रवण जैसे कोई भी रातों रात बड़ा नाम कमाना चाहते हैं दूसरों की बातों में आकर, उनका हश्र यही होगा। ए, हटो हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो, क्या कर रहे हो, हटो हटो। इसमें स्विमिंग पूल का सीन है ना, जिसमें हीरोइन नहाएगी। हीरोइन नहाएगी? डबल एक्स प्रकाश की पिक्चर है ना। ए, तुम जैसा सोच रहे हो वैसी फिल्म नहीं है। क्या, तो फिर वैसी पिक्चर नहीं है? ये एक्शन फिल्म है, देखेगा हा? तो हार्ट अटैक आ जाएगा। चल निकल ले यहाँ से, ए सुकड़े, चल निकल, जाके घर पे मर जा। जब वो मुझे मारने के लिए आया तो तब मैं पुलिस के पास या कोर्ट में नहीं पहुंच सकता था। मैं सच बता रहा हूं, मेरा खून करने वाला वो एलेक्स, एलेक्स देवा। योर ऑनर, आपने, मैंने और मेरे फाजिल दोस्त चक्रवर्ती ने जो फिल्म देखी वो कोई आम फिल्म नहीं थी, ये एक इंसान के आखिरी चंद लम्हे थे और जो हमने सुना वो आखिरी वक्त पे उनके जुबान से निकला हुआ सच्चा बयान था। उनके मरने के बाद भी मेरे फाजिल दोस्त जैसे कामयाब वकील आकर उनकी मौत पर पर्दा डालकर खूनी को ना बचाए, मरने वाला इसीलिए सच्चा बयान देकर गया है ताकि झूठ सच ना हो जाए और सच सबके सामने आए, यही उनकी आखिरी इच्छा थी। यस, क्या? योर ऑनर, मुझे परमिशन चाहिए। इसलिए मुझे फिल्म के क्लिप को फिर से देखना। सिनेमा घर नहीं है जो बार बार फिल्म देखोगे तुम। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, कोर्ट का टाइम बर्बाद हो रहा है। टाइम के बारे में आर्ग्यूमेंट हम बाद में करेंगे। कौन है, ये साबित हो चुका है, केस आने की तरह साफ हो चुका है। आपने वीडियो एक बार दिखा दिया, मैं दूसरी बार देखना चाहता हूँ। यू जस्ट सिट डाउन एंड वॉच। योर ऑनर, मैं ये वीडियो फिल्म देख सकता हूँ? परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर, इसे रीस्टार्ट करो जल्दी। रिवाइंड मैन, रिवाइंड, हरी अप। यप। स्टॉप स्टॉप, आप आखिर चाहते क्या? ये इनकी वॉइस है क्या? इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे है बस ये बात बता दो कि ये इनकी वॉइस है या नहीं। जस्ट सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। योर ऑनर, प्लीज प्लीज लिसन टू मी। सबकी नजर इसके चेहरे पर रहनी चाहिए, ये आवाज इसकी नहीं किसी और की है। जबरदस्ती देव को गुनेगार ठहराने के लिए ये सब किया गया है। आपकी परमिशन हो तो वीडियो के मुताबिक साउंड देना चाहता हूं, इसलिए साउंड ऑफ करके सिर्फ पिक्चर दिखाई जाए। मुझे मिल गई यार, मेरी 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 करनी की सजा मुझे मिल गई। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे गुनाह किए हैं। उसके कहने पर हमने
इतने साल से उसके इशारे पर हम चलते रहे हैं। हम लोगों का सारा काला चिट्ठा सबको पता चल गया है, इसलिए वो अपने इल्जाम मेरे सर पर डालकर यहाँ से मुझे मारकर चला गया। इसलिए मैं पुलिस को और कोर्ट को सच्चाई बता रहा हूँ। मैं पुलिस और कोर्ट के सामने ये बात बोलता हूँ, मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है, सच ही कहता है। मुझे मारने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वकील वेंकटरमन। थैंक यू। जस्ट वेट योर ऑनर, इस केस में और भी गुनेगारों का नाम सामने आना बाकी है, उनके नाम आप सुनना चाहोगे? एवरीबॉडी रिवाइंड एंड प्ले प्लीज। मैं सच कह रहा हूं, मुझे मारने वाले आर्टिस्ट श्रीदेवी, अर्जुन, भानुप्रिया, सिमरन, सचिन तेंदुलकर। साइलेंस। देयर इट इज योर ऑनर। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए उसी आवाज में नाम बदलकर, चेहरा बदलकर, मेरे दोस्त देव को ही नहीं आपको भी गुनेगार बताया जा सकता है। एक बात से मैं खुद ही कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे ये पॉइंट निकाल के देने वाले कोई और नहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर वेंकट रमन जी हैं। क्या मैं? हाँ, आप ही हैं। यस मिस्टर वेंकट रमन, यू। देखिए ना योर ऑनर, इन्होंने ही झूठे गवाहों को और झूठे सबूतों को सबके सामने लाकर गुमराह करने की अपनी तरफ से कोशिश की। इन्हीं के सबूत के आधार पर इस केस की शक्ल सूरत ही बदल गई। मैं इनका शुक्रिया कैसे अदा करूं? नाउ दैट एवरीथिंग इज वेरी क्लियर ऑन द टेबल योर ऑनर, जस्टिस इज इन योर हैंड। इस केस के खिलाफ अदालत में जो भी सबूत पेश किए गए और जिस तरह की बहस चली, वो सब कुछ देखने और सुनने के बाद अदालत का ये नतीजा है कि मिस्टर एलेक्स देव ने ये खून नहीं किया है और ये इन सबूतों से साबित नहीं होता। द बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज गिवन टू अक्यूज्ड। इसीलिए ये अदालत मिस्टर एलेक्स देव को निरपराधी घोषित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर देव, ऑल द बेस्ट। मिस्टर वेंकटरमन, दोबारा ऐसी गड़बड़ मत करना। हे, सारी दफाएं याद कर ली ना? 380 सर। गुड, थैंक यू। भैया मुझे छोड़कर मम्मी के पास चले गए, अब मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। खैर छोड़ो, किसी भी इंसान को इतना जिद्दी भी नहीं होना चाहिए। एक बार भी तुमने मुझे प्यार की नजरों से कभी नहीं देखा। तुम ऊपर से ही नहीं, अंदर से भी पत्थर दिल इंसान हो। खैर छोड़ो, रतनवीर सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सर, हम दोनों ने आपको और चक्रवर्ती सर को बहुत परेशान किया है। मैं जाके जजमेंट कॉपी ले आती हूँ, आई बी बैक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, भाई के सारे डॉक्यूमेंट मैंने एक अच्छी जगह पर छुपा कर रखे हुए हैं। जानता हूँ। सर, मैंने इसके अंदर छुपाए थे। अरे, ये डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह, ये तो लेटर बॉक्स है। इसी में है सर। देव, ये तो ऊपर से खुला है। मैंने इसी में रखे थे सर, अब पता नहीं कहाँ चला गया। लेटर तो यहाँ देख रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट पता नहीं किसने निकाल लिया। किसी और ने नहीं निकाला है, जिसका है उसी के हाथ में पहुंच गया है।
इसके पीछे कोई और होगा ये सोचना भी बेकार है। ये उसी का काम है। सर ये भाई रघु का राइट हैंड है सर। इसकी तलाशी लो। कुछ नहीं है सर। वो डॉक्यूमेंट ही हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत था। अब वो भी यहां से निकल गया। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक आर्टिस्ट हूं सर। हाथ से पहले चीज मेरे दिमाग में छप जाती है सर, और ये तो भाई की खास चीज थी सर। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उस चीज को मैं फिर से बना के दिखाऊंगा। ये ट्रेन रूट है या रोड रूट है ये समझ में नहीं आ रहा है। यहां कैसे पहुंचा जाए ये सोचना है। इसके ब्लूप्रिंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। करेक्ट, समुद्र के रास्ते से जा सकते हैं। ये वॉल जैसा जो दिख रहा है ना, यही वो जगह है। यहां लाखों टन अनाज है जो जहाज के द्वारा विदेशों में भेजा जाता है, और यही दुश्मनों का प्लान है। हमें तुरंत इस जगह पे पहुंचना है। पर ये कहां पर है सर? अरेबियन सी में है, वेस्ट कोस्ट। ये प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन हार्बर में है। ये सिर्फ कल तक ही यहां पे रहेगा, उसके बाद गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। इसीलिए वो वहां पर से सब कुछ समेटने के फिराक में होगा। उमा प्रेस वालों को लेकर यहां पहुंचो। देव चलो। Mamma mia! Ah, lovely fishy! Saroma corta mia! Indian people like good fish! No time, okay? We shall? Yaha! Woo! इसकी कीमत पूछ रहा है, यूं ही मांगने में शर्मा रहा है। इसे भूख लगी है, लड़की का इंतजाम कर दे। भाई लड़कियों के साथ राजनीति खेलना बहुत मुश्किल है। टीवी वाले बाल की खाल उधेड़ कर हर चैनल पर दिखाते हैं हर बात को। लड़कियों की तरह यह चावल का धंधा भी नहीं चलेगा। इस चावल को जमा करके रखने से अच्छा है बाजार में इसे बेच देते हैं। भाई बेवकूफों जैसी बातें मत कर। अब सिर्फ 20 मिनट के अंदर सब कुछ शिप में, इसके बाद मैं इंडिया को बाय बाय कर रहा हूँ। मुझे एक ज्योतिष ने कहा था कि मेरा दिन जरूर बदलेगा, और वो आज पूरा हो रहा है सर। इसमें दो राय है क्या? मेरे साथ तुझे भी मोक्ष मिल जाएगा। Go that side. Go, go, go. Down, down, down. और कितनी देर लगेगी यहां से निकलने में हमें? बस थोड़ी देर और सर, लोड हो रहा है। सर किसी ने हम पर हमला कर दिया सर। बहुत जिंदा मत छोड़ना उसे। I will take off then. Okay, go inside, sir. I got to go. Yes. ये दोनों यहां तक कैसे पहुंच गए भाई? Shoot, shoot! Somebody shoot him! Hey,
सही वक्त है, इन दोनों की मौत यहाँ लाई है। Go fast! क्यों एलेक्स, पिछले झटके से कोई सबक नहीं सीखा क्या? विदेश से मैं कुछ पावरफुल मेडिसिन फिर से लेकर आया हूं तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने के लिए। मिस्टर रतनवीर को भी उसका जरा मजा चखाना है मुझे। कम ऑन। देव, उसका पीछा करो। Oh.
नहीं, नहीं। जब तक इसे जाल से नहीं मारती तब मुझे सुकून नहीं मिलेगा सर। इसे मरना ही होगा सर। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। इसकी वजह से आज मैं अनाथ हो गया हूँ सर। इसे मारने के लिए आज तक मैं जिंदा हूँ सर। देव मेरी बात सुनो। आपकी हर बात मैं सुनूंगा सर, लेकिन इसे मारने के बाद। देव मुझे छोड़ दो, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। तुझे जीवन चाहिए? तेरी वजह से न जाने कितने लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए हैं। जिनके मुंह से अपने फायदे के लिए निवाला छीना था, उन लोगों की सांसें चाहिए तुझे? भूख के कारण जंगली पत्ते और फल उबाल के खाकर उसकी जहर से जो मर गए उनकी जिंदगी चाहिए? खेलने कूदने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे जो आधी आधी रोटी के लिए तरस तरस कर अपनी जिंदगी खो दिए, उनकी जिंदगी चाहिए? दे सकता है क्या तू? गरीबों के मुंह से छिनकर अनाज अपने गोडाउन में जमा करके रखता और विदेशों में बेचता है। अरे पैसों वालों को भी दो वक्त की रोटी लगती है, ऐसा कौन है जो भूख की आग से बचा है? नेता लोग को, ऑफिसर्स को अपनी मुट्ठी में लेकर सरकारी गोडाउन खाली करने वाले तुझ जैसे दरिंदों को विदेशी डॉलर गरीबों के भूख से ज्यादा कीमती है। लेकिन उस डॉलर के पीछे न जाने कितने लोगों का निवाला तूने छीना है, तुझे पता है? जरा सोच के देख, भूख प्यास क्या होती है तुझे पता है? जो इंसान खुद से हार जाता है वो गले में फंदा डालकर अपनी जान दे देता है, लेकिन उस इंसान को मजबूर करने वाला फांसी पर क्यों नहीं लटक सकता है? इसीलिए मरने के बाद भी भूख से उसकी आत्मा भटकती रहती है। तेरे कारण ना जाने कितनी आत्माएं भटक रही हैं, इसलिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम करते तो खून, मैंने किया तो सजा। इनकाउंटर डेथ। भूखा इंसान उठे जरूर, लेकिन भूखा कोई न सोए। सर, लेकिन डिटेल्स बताइए। सर, लेकिन इसकी जांच कैसे की?